हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड जय हिंद आप सभी लोगों को। डियर स्टूडेंट्स, ब्रह्मास्त्र ऑफ सिनोनिम एंड एंटोनिम्स की जो ये सीरीज है या पैनेशिया ऑफ वर्ड पावर की जो ये सीरीज है, इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आपके सारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, चाहे डिफेंस, चाहे बैंकिंग, चाहे SSC, चाहे TGT PGT या अदर कोई भी वन डे एग्जाम, इस हर जगह यहाँ से वोकैब आपकी पूछी जाती है। तो ये जो सीरीज है बहुत ही ब्रॉड और बहुत ही क्रूशियल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाली है। तो चलिए सारे लोग आ जाइए। ए अल्फाबेट के कल हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 वर्ड्स को सीखा था। आज बी लेटर से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। इसकी जो PDF है, आपका जो टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश विद अमर सर, वहाँ पर ऑलरेडी हमने प्रोवाइड करा दिया है। वहाँ से PDF या स्टडी मटेरियल आप कलेक्ट कर लें। चलिए, कितने बच्चे आए हैं थोड़ा कमेंट करिए। सारे लोग वीडियो को शेयर और लाइक करते रहिए और कमेंट जरूर करिए। खुशबू जी आ चुकी हैं, दिवेंद्र जी, अजय जी, सौरभ जी, ब्रजेश जी, दर्शन जी, सारे बच्चे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि आज की क्लास हम लोग शुरू करें फिर। चलिए, जय हिंद डियर। ओके, पटेल साहब, रोजी जी, आंचल जी, लर्नर जी, शैलेन जी, सूरज जी, अनुराग जी, विशाल जी, मैजिशियन जी, आकाश जी, जय हिंद डियर, सारे बच्चों को, अभिषेक जी। चलिए, आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिएगा, हम क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला वर्ड है आज बोल्ड। बोल्ड मतलब होता है बहादुर या साहसी, ठीक है, करेजियस, बहादुर या साहसी। और इसका जो नाउन बनता है बोल्डनेस, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, NESS सफिक्स लगने से नाउन बनता है। तो बोल्डनेस, ये इसका मतलब साहस, ये नाउन है, साहस या बहादुरी। अच्छा, ये निगेटिव वर्ड है, मतलब साहस निगेटिव सेंस में, ऑडेसिटी के सेंस में, टिमिरिटी के सेंस में हम लगाते हैं। आपने अपने गार्जियन से बहस कर ली, साहस दिखाया। आपने अपने टीचर से बहस कर ली, साहस दिखाया। तो साहस तो है यहाँ पे, बहादुरी तो है, लेकिन पॉजिटिव सेंस में नहीं, निगेटिव सेंस में। तो इसीलिए बोल्ड वर्ड जो है, बोल्ड एडजेक्टिव की तरह यूज होता है और बोल्डनेस नाउन की तरह यूज होता है, बट ये निगेटिव टर्म्स के वर्ड है। निगेटिव सेंस में अगर आपने साहस दिखाया, वहां पे यूटिलाइज होंगे। अगला वर्ड है ब्लिस। ब्लिस का मतलब एक्सट्रीम हैप्पीनेस, मतलब जिसे आप परम आनंद बोलते हैं या परमानंद बोलते हैं, मतलब खुशी का ये सबसे हाईएस्ट लेवल का वर्ड है। अगर आपको लगता है कि इससे ज्यादा खुशी किसी चीज में मिल ही नहीं सकती, तो वो है ब्लिस। ब्लिस से बड़ा कोई वर्ड ही नहीं है इंग्लिश में खुशी का, ठीक है। तो ब्लिस का मतलब होता है खुशी। अगला है बेलिकोस, लड़ाकू या झगड़ालू। कोई व्यक्ति बहुत लड़ता है, झगड़ता है, उसे लड़ाकू या झगड़ालू बोल सकते हैं। और सेम यही मीनिंग बेलिसरेंट के लिए भी लगती है, लड़ाकू या झगड़ालू। समानता कोई देश वगैरह है तो, जैसे पाकिस्तान वगैरह, चाइना वगैरह, बट आजकल इन सब का यूज कहीं भी लगा सकते हैं, व्यक्ति या देश दोनों के लिए, ठीक है। अब आइए इन चारों वर्ड को याद करते हैं। डियर स्टूडेंट, बोल्ड को याद करना बहुत आसान है। बोल्ड को रिलेट कर लो ओल्ड। घर में जो ओल्ड लोग होते हैं बहुत बोल्ड होते हैं। घर में जो ओल्ड लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, बहुत ओल्ड लोग बहुत बोल्ड होते हैं। घर में नागिन बलखा के आ जाती है तो हम लोग घर से बाहर निकल लेते हैं डर के मारा, लेकिन दादाजी छड़ी लेके आ जाते हैं, पूछते हैं कि नागिन है किधर। तो घर के ओल्ड लोग बहुत बोल्ड होते हैं, बहादुर होते हैं, साहसी होते हैं, करेजियस होते हैं। या दूसरा तरीका है, कोई बॉलर है और IPL में कहा कि इस गेंद में मैं बोल्ड मार दूंगा मलिंगा स्टाइल में, और सच में उसने मार दिया, तो जो बॉलर बैटर को बोल के बोल्ड मारे, वो बॉलर बोल्ड है, बहादुर है। तो चाहे बॉलर से याद कर लीजिए और चाहे ओल्ड से याद कर लीजिए। ओके, चलिए, नेक्स्ट है ब्लिस। ब्लिस का मतलब हैप्पीनेस, खुशी। याद कैसे करेंगे? जब हम लोग किसी बुजुर्ग का या टीचर का या गार्जियन का पैर छूते हैं तो क्या बोलते हैं? गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे। तो जब वो अपनी ब्लेसिंग देते हैं और जब बोलते हैं ब्लेस यू, तो ब्लेस वर्ड सुनते ही हम लोग ब्लिस फील करते हैं, खुशी मिल जाती है। जब कोई हमें सर
पीठ पे हाथ रख के या सर पे हाथ रख के कहते हैं ब्लेस यू, आपको भगवान भला करे, तो कितना ज्यादा खुशी मिलती है, जन्नत वाली फीलिंग आती है। तो जब कोई ब्लेस बोलता है, ब्लेस यू कहता है, तो हमें तो भाई बड़ी ब्लेस मिलती है, बड़ी खुशी मिलती है। तो ब्लेस का मतलब खुशी। नेक्स्ट है बेलिकोस बेलिजरेंट। देखिए BELLI बिल्ली, हालांकि रूट वर्ड भी बता सकते हैं कि बेल का मतलब फाइट होता है, एटमोलॉजी में बात करेंगे। फिलहाल अभी समझिए BELLI बिल्ली इसमें भी और BELLI बिल्ली इसमें भी। आप जानते हैं दो बिल्ली जब आपस में मिलती हैं तो कितना ज़्यादा झगड़ा करती हैं। तो बिल्ली का जो नेचर होता है वो बेलिकोस या बेलिजरेंट होता है, यानी लड़ाकू या झगड़ालू। बिल्ली का नेचर बेलिकोज या बेलिजरेंट होता है, लड़ाकू या झगड़ालू। आज भी हम लोग 100 वर्ड बी पे करने वाले हैं और प्रैक्टिस भी करेंगे, इसलिए लास्ट तक देखिएगा। इसका शॉर्ट वीडियो भी मैंने दो बिल्लियों का बना रखा है, आप लोगों ने देखा होगा। एक बार सारा वर्ड रिवाइज करिए। जो घर के ओल्ड लोग बहुत बोल्ड होते हैं, बहादुर होते हैं, साहसी होते हैं। जब कोई कहता है गॉड ब्लेस यू, तो ब्लेस पा के हम लोगों को ब्लेस खुशी मिलती है। और बिल्ली क्या होती है, बेलिकोज या बेलिजरेंट, लड़ाकू या झगड़ालू। आई होप ये चारों वर्ड आपके तैयार हो गए होंगे। थोड़ा कमेंट करके बताइए कि चारों वर्ड क्लियर हुए कि नहीं, थोड़ा कमेंट करिए आप लोग। फिर आगे का वर्ड बताते हैं, ब्लड सेट, ब्लड बाथ, ब्लंडर और आपका बैंकक्रप्ट। इसकी PDF ऑलरेडी मैंने आपके टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा दी है। थोड़ा कमेंट करिए, बताइए क्लियर हो रहा है, विजुअल है, क्लियर है सारी चीजें। सर आपकी आवाज में थोड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि बैचेस बहुत ज्यादा ऑफलाइन इस समय है और ऑनलाइन भी देखिए बैचेस आपके लिए जा रहे हैं, तो गले में थोड़ी सी दिक्कत है, बट डोंट वरी, डोंट पैनिक, कोऑपरेट करिए और पढ़ते हैं। ओके, चलिए वीडियो को शेयर करिए और बताइए। खुशबू जी, प्राची जी, फलक जी, पटेल जी, श्रेया जी, काजल जी, रोजी जी, नीतू जी, सौरभ जी, उपेंद्र जी, BK जी, सर अनुराग जी, सारे बच्चों का कहना है यस सर क्लियर है, क्लियर है। ओके, तो फिर वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस जुड़े। बहुत ही क्रूशियल क्लास है आपकी। ब्लड सेट या ब्लड बाथ, दोनों का मतलब होता है खून खराबा। क्या होता है? खून खराबा, खून खराबा, जहां पे खूब युद्ध वगैरह हुआ हो, लोग मारे गए हो, चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ है, तो उसे कहा जाता है खून खराबा। नेक्स्ट है ब्लंडर। ब्लंडर का मतलब अबिग मिस्टेक होती है, बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी गलती। इसीलिए कभी भी बहुत बड़ी गलती, इसीलिए कभी भी ब्लंडर के साथ मिस्टेक या बिग या स्मॉल नहीं लगाया जाता। नेक्स्ट है बैंकक्रप्ट। बैंकक्रप्ट मतलब दिवालिया, डेस्टिट्यूट, दिवालिया, जब आप कंगाल हो जाते हैं, कुछ नहीं बचता, बैंक वगैरह वाले घर और भी कुर्की कर लेते हैं, तो उस कंडीशन में बैंकक्रप्ट कहा जाता है, इंसॉल्वेंट, दिवालिया। अब इन्हें याद कैसे करोगे आप, आओ देखते हैं। BLOOD ब्लड, और सेड मतलब बहना, BLOOD ब्लड, और बात मतलब नहाना। तो अगर आप खून से लथपथ है, नहाए हैं, या खून ही खून चारों तरफ बहा है, अगर ब्लड ही ब्लड चारों तरफ है, तो मेरे भाई ब्लड सेड हुआ है या ब्लड बात हुआ है। अगर ब्लड ही ब्लड चारों तरफ है तो ब्लड सेड हुआ है या ब्लड बात हुआ है, यानी खून खराबा हुआ है। नेक्स्ट है ब्लंडर। ब्लंडर का मतलब होता है बहुत बड़ी गलती। याद कैसे करेंगे? UNDER अंदर, किसी के घर के अंदर बिना पूछे जाना, ये बहुत बड़ी ब्लंडर है, बहुत बड़ी गलती है। किसी के घर के अंदर बिना पूछे जाना, ये बहुत बड़ी ब्लंडर है। किसी के घर के अंदर बिना अनुमति के या बिना पूछे जाना, ये बहुत बड़ी ब्लंडर है, बहुत बड़ी गलती आपने कर दी। नेक्स्ट है बैंकक्रप्ट। बैंकक्रप्ट दिवालिया, जब बैंक से आप लोन ले लेते हैं और बैंक का लोन आप नहीं चुका पाते, तो बैंक वाले क्या करते हैं, आपकी जमीन उमीन लेके आपको गरीब बना देते हैं। तो बैंक वाले कई बार आदमी की प्रॉपर्टीज लेके आदमी को बैंकक्रप्ट बना देते हैं, जैसे विजय माल्या के साथ हुआ। तो बैंकक्रप्ट का मतलब दिवालिया, दिवालिया का मतलब कंगाल, सब कुछ छिन गया। तो बैंक वाले कई बार आपकी सारी प्रॉपर्टीज लेके बैंकक्रप्ट कर देते हैं, दिवालिया बना देते हैं। नेक्स्ट है बाउंटी। बाउंटी का मतलब गिफ्ट होता है, उपहार, उपहार। बाउंटी मतलब अश्लील होता है, अश्लील, वल्गर, ये अपसीन। और ये म्यूजिक वगैरह के लिए लगता है। फिगर वगैरह अश्लील है तो अपसीन होता है, ठीक है। बातें अश्लील हैं तो वल्गर होती हैं, लेकिन बाउंटी अश्लील कब, जब म्यूजिक वगैरह की बात आए। बारबेरियन का मतलब होता है अशब, अशब।
अब बूटी का मतलब लूट का सामान, लूट का माल या लूट का सामान। अब भैया इसे याद आप कैसे करोगे, आओ देख लेते हैं। बाउंटी को रिलेट कर लो बंटी, बंटी नाम का लड़का है और आंटी जी को हमेशा क्या देता है, बाउंटी गिफ्ट देता है ताकि आंटी जी किराया ना बढ़ाएं। तो बंटी नाम का लड़का आंटी जी को बाउंटी देता है, गिफ्ट देता है, उपहार देता है। नेक्स्ट है बाउडी, अश्लील, जो बात बात में अपनी बाड़ी दिखाए वो आदमी बाउडी है, अश्लील है। नेक्स्ट है बार बैरियन, बार बार मना करने के बाद भी जो बच्चा बार बार लोगों को गाली दे वो बच्चा बारबेरियन है, असभ्य है। जो मना करने के बाद भी बार बार गाली दे वो बच्चा बारबेरियन है, असभ्य है। तो बारबेरियन मतलब असभ्य होता है। नेक्स्ट है बूटी, बूटी का मतलब लूट का सामान या लूट का माल। पता लगा कहीं गए, गब्बर गया रामगढ़ और रामगढ़ से सारा सामान लूट लाया, तो लूट का सामान या लूट का माल बूटी होता है। तो एक बार गब्बर गया था भैया ऊटी, ऊटी मनाली सुने हैं ना, तो एक बार गया था गब्बर ऊटी और ऊटी से लाया बूटी यानी लूट का सामान। एक बार रिवाइज करिए, बंटी नाम का लड़का आंटी जी को बाउंटी देता है, उपहार देता है, गिफ्ट देता है। बाउडी मतलब अश्लील होता है, तो जो बात बात में बाडी दिखाए वो बाउडी है, अश्लील है। बार बार जो बच्चा गाली दे वो बच्चा बारबेरियन है, असभ्य है, अशिक्षित है। और ऊटी से गब्बर क्या लाया, बूटी यानी लूट का माल या लूट का सामान। नेक्स्ट है बम्पी, बम्पी का मतलब ऊबड़ खाबड़, ऊबड़ ऊबड़ खाबड़, रोड वगैरह है ऊबड़ खाबड़ या सरफेस किसी चीज की ऊबड़ खाबड़ है, मतलब समतल नहीं है, स्मूथ नहीं है, बल्कि ऊबड़ खाबड़ है, तो उसे बम्पी बोलते हैं, सरफेस के लिए लगता है। बोदर का मतलब टीज करना, परेशान परेशान करना। बायस का मतलब होता है प्रेजुडाइज, पक्षपात 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 पक्षपात। क्या होता है आपका पक्षपात, ये बात। और बैरिकेड का मतलब होता है बाधा डालना, बाधा डालना, बाधा डालना या किसी के काम के में अवरोध डालना। और बैरिकेड का नाउन होता है बैरियर, आप लोगों ने सुना होगा। अब इनको याद आप कैसे करोगे, बहुत इजी है। कैसे, बम्पी को रिलेट कर लो एमपी, एमपी यानी मध्य प्रदेश, तो एमपी की रोडें बहुत ज्यादा बम्पी है, उबड़ खाबड़ है। अगर आप एमपी गए हैं तो आपने देखा होगा कि जो एमपी की रोडें हैं बहुत ज्यादा बम्पी हैं, ऊबड़ खाबड़ हैं। तो एमपी की रोडें क्या हैं, बम्पी हैं, ऊबड़ खाबड़, तो बम्पी मतलब ऊबड़ खाबड़। अगला है बोदर, बोदर का मतलब परेशान करना, टीस करना। तो बोदर को रिलेट कर लो ब्रदर, ब्रदर को रिलेट कर लो ब्रदर। हमारा जो ब्रदर है, हमसे छोटा जो हमारा भाई है ब्रदर, वो हमें पढ़ने नहीं देता, बार बार इधर उधर करके डिस्टर्ब करता है। तो हमारा छोटा ब्रदर हमें बोदर करता है, परेशान करता है। हमारा छोटा ब्रदर हमें पढ़ने नहीं देता बल्कि बोदर करता है, परेशान करता है। तो बोदर मतलब परेशान करना, तो हमारा ब्रदर हमें बोदर करता है, परेशान करता है। नेक्स्ट है बायस, पक्षपात, ठीक है। अब बायस के साथ कभी भी प्रीपोजिशन लगानी हो तो अगेंस्ट लगता है, अगेंस्ट प्रीपोजिशन। अच्छा, याद कैसे करेंगे बायस को, बॉस से, जो कंपनी का बॉस होता है ना वो बहुत पक्षपात करता है, एक इम्प्लॉय को ज्यादा सैलरी देगा, एक इम्प्लॉय को कम, काम दोनों से समान करवाएगा। तो बॉस इम्प्लॉयज को लेके, सैलरीज को लेके क्या करता है, बायस रहता है, पक्षपात करता है। जैसे जज के सामने केस आया और जो केस में मुजरिम था वो जज का रिश्तेदार था, तो जज ने उसको बरी करके दूसरे को फंसा दिया, तो उन्होंने बायस किया, पक्षपात किया। तो पक्षपात का मतलब होता है फेवर करना। तो बॉस जो कंपनी का होता है वो इम्प्लॉयज के साथ बायस आता है यानी पक्षपात करता है। अगला है बैरिकेड, बाधा डालना। तो गांवों में या शहर में भी पुलिस वाले बैरियर लगा के ट्रक वालों से पैसा वगैरह लेते हैं, तो बैरियर लगा के रास्ते में बैरिकेड करते हैं, बाधा डालते हैं। तो बैरियर 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 लगा के लोगों के रास्ते को बैरिकेड करते हैं, बाधा डालते हैं। तो बैरिकेड मतलब बाधा डालना। चलिए नेक्स्ट वर्ड है, क्लियर हो रहा है ना, बॉस्टेरस, बैकबाइटिंग, ब्रोबीट और बोरिश। बॉस्टेरस मतलब होता है शोर शराबा या हंगामा, शोर शराबा या हंगामा, हुले बोल हंगामा। बैक बाइटिंग का मतलब होता है चुगली, चुगली करना।
ब्रो बीट का मतलब होता है डराना, धमकाना, बुली करना, डराना धमकाना। और बोरिस का मतलब होता है असिब, असभ्य, अशिक्षित या असभ्य, अनसिविलाइज्ड। चलिए कमेंट करिए, क्लियर हो रहा है ना सारी चीजें? वीडियो को शेयर वगैरह आप लोग करते रहिए, इतनी क्रूशियल क्लासेस हैं, लेकिन उस हिसाब से बच्चे जुड़े नहीं हैं जिस हिसाब से जुड़ना चाहिए। बहुत हाई लेवल के क्लास है, आप यूं समझिए। लीलावती जी आ गई हैं भाई, महेंद्र जी हैं, ब्यूटी जी हैं, गेट योर डेस्टिनेशन, कलुआ डाकू जी हैं, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए भैया, संचिता मिश्रा जी हैं, आनंद कुमार साहब हैं, खुशबू जी हैं, दिव्यांश जी हैं, एम्बिशन एकेडमी है सर, क्लोज टेस्ट का सीरीज, बाबू क्लोज टेस्ट का पढ़ा है सीरीज, आप देखते रहिए बाकी कराएंगे, नीतू जी हैं, रोजी जी हैं, अनुराग जी हैं, अलका जी हैं, सौरभ जी हैं, काजल जी, मनु जी, गोविंद जी, दिनेश जी, सुरेंद्र जी, राहुल जी, राहुल डियर डेली रहा करिए, संदीप जी, सुरेंद्र जी, दर्शन जी, सारे बच्चे वीडियो को शेयर जरूर करिए, क्योंकि 100 वर्ड ताकि हम करा दें आज भी ना, हर दिन हम 100 वर्ड का टारगेट लेके चल रहे हैं, 20-25 दिन में ये सीरीज एक सेक्टर एक पार्ट एक सेक्शन खत्म करेंगे, फिर सेकंड थर्ड राउंड चलाएंगे कई बार। कैडेट साहब, सिकंदर यादव जी, तो वीडियो को शेयर जरूर करते रहें ताकि ज़्यादा बच्चे रहेंगे तो पढ़ाने में एक एनर्जी बनी रहेगी, क्योंकि काफ़ी रात भी हो जाती है लौटते समय, और गलत हो ऐसे भी आप देख रहे हैं एकदम गड़बड़ सड़बड़ है। चलिए, याद कैसे करेंगे? बॉयस्टेरस मतलब शोर शराबा या हंगामा, तो बॉयस्टेरस को रिलेट कर लीजिए बॉयज, जो बॉयज होते हैं बॉयज हॉस्टल में, जो बॉयज होते हैं माहौल कैसा किए रहते हैं, बॉयस्टेरस शोर शराबा, या जो 31 दिसंबर आता है तो न्यू ईयर की पार्टी जब होती है तो बॉयज पूरे हॉस्टल में बॉयस्टेरस माहौल क्रिएट कर देते हैं, शोर शराबा या हंगामा, तो बॉयज कैसा माहौल क्रिएट कर देते हैं, बॉयस्टेरस। ठीक है, नेक्स्ट है बैक बाइटिंग, चुगली करना, बैक मतलब पीछे, बाइट का मतलब काटना, कोई पीछे से आपको काट रहा, आगे से कह रहा आप महान है, आपसे जैसा कोई धरती में पैदा ही नहीं होगा, आप लाखों नहीं अरबों नहीं खरबों में एक है, और जैसे पीछे पहुंचे कहे बहुत कमीने आदमी है कि नहीं, तो जो बैक बाइट, बाइट मतलब काटना, जो बैक पीछे से काटे यानी आगे से बड़ाई करे, पीछे से काट ले यानी चुगली करना, हालांकि कहना नहीं चाहिए लेकिन ये फेमिनिन जेंडर के लिए वर्ड ज्यादा यूटिलाइज होता है। अगला ब्रोबीट, ब्रोबीट का मतलब होता है डराना धमकाना, तो सबको पता है बीट का मतलब पीटना ना या हराना, और ब्रो आजकल शॉर्ट में लोग भाई को बोलते हैं, अब छोटा भाई शैतानी कर रहा है तो आप क्या कह रहे हो, ब्रो सुधर जाओ नहीं तो भी रख देंगे दुई टे खींच के, ब्रो सुधर जाओ नहीं तो रख देंगे भी दुई टे कंटा आपके नीचे, रख नहीं रहे हैं बस कह रहे हैं, तो आप ब्रो को कर क्या रहे हैं, ब्रो बीट कर रहे हैं, ब्रो अभी मैं आपको बीट कर दूंगा पीट दूंगा, ऐसा बार बार कर रहे हैं, ब्रो अभी मैं आपको बीट दूंगा लेकिन पीट नहीं रहे हैं, तो ब्रो को आप क्या कर रहे हैं, ब्रो बीट कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, तो ब्रो बीट का मतलब होता है डराना या धमकाना। अगला है बोरिस, बोरिस मतलब होता है असभ्य, जो बोरी फाड़ दे, जो बोरी फाड़ दे, गेहूं चावल की बोरी रखी है, जो बोरी फाड़ दे वो बच्चा बोरिश है, असभ्य है। ठीक है, या दूसरा तरीका है, समाज में जो बुरे लोग हैं, बुरे लोग, बुरे लोग क्या हैं, बोरिस हैं, असभ्य होते हैं ना, तो चाहे बुरे लोगों से याद कर लो, बुरे लोग बोरिस हैं, असभ्य हैं, और चाहे आप जो बच्चा गेहूं चावल की बोरी ब्लेड से या चाकू से फाड़ दे वो बोरिस है, असभ्य है। नेक्स्ट वर्ड की चल तरफ चलें, तो बाइंडिंग का मतलब कंपलसरी होता है, अनिवार्य या जरूरी, अनिवार्य या जरूरी, कंपलसरी, जरूरी, नेसेसरी। अब बम्बोजल का मतलब चीट करना यानी किसी को धोखा देना, धोखा देना। बैनिश मतलब होता है निष्कासित करना, किसी को बहिष्कृत करना या निष्कासित करना, समाज से या देश से निष्कासित करना या बहिष्कृत करना। बिजारे मतलब अजीब या विचित्र, अजीब या विचित्र। अब आइए इनको याद कैसे किया जाए, बहुत इजी है, फिजिबल है आपके लिए इसे याद करना। देखिए बाइंडिंग को रिलेट कर लीजिए, बाइंडिंग, बाइंडिंग आप उसी किताब की बाइंडिंग कराते हैं जो किताब बहुत जरूरी होती है, कई किताबें आपकी फट जाती हैं लेकिन गोंद उनसे काम चला लेते हैं गम वगैरह से,
बट जो किताब बहुत क्रूशियल होती है आपके लिए, आप उसकी बाइंडिंग कराते हैं 25 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये दे के, तो आप उसी किताब की बाइंडिंग कराते हैं जो किताब बहुत ज़्यादा बाइंडिंग होती है, जरूरी होती है, अनिवार्य। बम्बोजल मतलब धोखा देना। तो बम, अगर आप किसी के बैग में बम रख दिए, तो बम रख के आपने अपने दोस्त को बम्बोजल किया, धोखा दिया। अगर आपने धोखे से किसी के घर में या किसी के बैग में आपने जानबूझ के उसके घर में या बैग में बम रख के उसे क्या दिया, बम्बोजल दिया, धोखा दिया। बैनिस, राम भगवान को 14 वर्ष के लिए वन के लिए अयोध्या से वैनिस किया गया था, निकाला गया था, वन के लिए 14 वर्ष के लिए भेजा गया था ना, तो राम जी को 14 ईयर्स के लिए अयोध्या से वैनिस किया गया था, निकाला गया था, निष्कासित किया गया था, बहिष्कृत किया गया था। तो राम जी को वन के लिए बैनिस किया गया था, निष्कासित किया गया था अयोध्या से। बिजारे अजीब, बाजार से रिलेट कर लो। आज हमने बाजार में बिजारे बिजारे चीजें देखी, एक बहुत बड़ा सा गोलगप्पा देख लिया, बहुत खूबसूरत आंटी जी को देख लिया, बहुत बड़ा सा आदमी देख लिया। तो बाजार में आज हमने बिजारे बिजारे चीजें देखी, अजीब अजीब चीजें देखी। गौतम बुद्धा के नाम बारे में आप जानते ही होंगे, एक बार वो मार्केट जाते हैं और चार उन्हें अजीब अजीब तरीके की चीजें दिखाई देती हैं, जिसकी वजह से पत्नी और अपने बच्चे को छोड़ के चले जाते हैं। तो उन्हें बाजार में बिजारे बिजारे चीजें दिखती हैं, अजीब अजीब चीजें। नेक्स्ट है बैफल। बैफल का मतलब किसी को कंफ्यूज करना, किसी को कंफ्यूज करना, कंफ्यूज करना यानी किसी को भ्रमित करना, किसी को क्या करना, भ्रमित करना, भ्रमित करना। अगला है बकैनेलियन। बकैनेलियन का मतलब होता है शराबी, शराबी, जो शराब बहुत पीता है, शराबी। और बुल हेडेड का मतलब होता है हठिया जिद्दी, हठिया जिद्दी, अब्ड्यूरेट टाइप, हठिया जिद्दी। कल इसी का ए लेटर में पढ़ाए थे, एडामेंट, हठिया जिद्दी। अंडमान द्वीप के लोग बड़े एडामेंट होते हैं। अब बिलेटेड मतलब देरी से, विलंब, कोई काम आपने देरी से किया या विलंब किया उसे बिलेटेड बोलते हैं, देरी से या विलंब। अब याद कैसे करेंगे, बहुत आसान है। बैफल को रिलेट कर लो बफेलो। कई बार आप बफेलो को पानी वानी पिलाने स्विमिंग पूल में या स्विमिंग पूल में या तालाब उलाब में ले जाते हैं, और वहाँ पहले से कई भैंस होती हैं बफेलो, तो अब बफेलो बफेलो 20-25 तो देख के आप कन्फ्यूज आ जाते हैं कि इसमें से कौन वाली अपनी वाली है। तो बफेलो कई बार आपको बैफल कर देती हैं, कन्फ्यूज कर देती हैं, या वहीं पर रहेंगी रहेंगी अचानक गायब हो जाएंगी। तो कई बार बफेलो आपको क्या कर देती हैं, बैफल कर देती हैं, कन्फ्यूज कर देती हैं। अगला है बकैनेलियन, शराबी। तो बच्चन जी से याद कर लीजिए, अमिताभ बच्चन जी की एक मूवी आई थी बकैनेलियन शराबी, उस मूवी में वो शराब भी बहुत पीते हैं। तो अमिताभ बच्चन जी की एक मूवी आई थी बकैनेलियन यानी शराबी। तो बच्चन जी की एक मूवी कौन सी आई थी, शराबी। तो बच्चन जी की एक मूवी बकैनेलियन आई थी, शराबी आई थी। समझ आ रहा ना बच्चा लोग, शेयर करते रहिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक भी करते रहिए, आग की तरह फैलाइए, सारे लोग शेयर करिए, सारे लोग लाइक करिए, तब ना मज़ा आएगा, लगना चाहिए ना कि हाँ भाई पढ़ रहे हैं। स्वाति जी, अब यहाँ गर्म पानी नहीं है ना भैया, कहाँ से पिए। शिखा जी, चलिए बच्चा लोग सारे लोग मन लगा के पढ़िए। कलुआ डाकू ससु कह रहा है सर एक पैक ले लीजिए सही हो जाएगा। ये तो अलग ही ग्रह से आया है, लगता है मंगल उंगल से, अपना तो खुदा पी पा के नसियाया हुआ है सुलेशन चाट के, और हमको कह रहा है कि आप एक पैक ले लीजिए, हमाओं को चढ़ जाए तो पता लगा उल्टा सीधा सब पढ़ा दें, सिनोनिम का एंटोनिम, एंटोनिम का सिनोनिम, कैसे 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 कैसे, ये ऐसे लोग आते कहाँ से हैं, ये कहीं समाज के सताए हुए पीड़ित कैंडिडेट तो नहीं है, है कि नहीं। चलिए शैलेन जी, दिनेश जी, नितेश जी, स्वाति जी, ओके थैंक यू डियर स्वाति जी, आचल जी, खुशबू जी, प्रकाश जी, शुभम जी, खुश रहिए ब्रदर, विकास जी, लर्नर, बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं, ठीक है। रीमा जी, वीडियो को शेयर करते रहिए, और हम आपकी कसम सच कहते हैं, हम
20-25 दिन ये बेहतरीन एनर्जी के साथ पढ़ाएंगे और ये आपकी अल्फाबेटिकल सीरीज का द एंड करके छोड़ेंगे। बस इसी तरीके से इसने बनाए रखिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। कितना प्यार से हम आपको बताइए, गुलाबी कलर से लिख दे रहे हैं, हरे कलर से लिख दे रहे हैं, कितने कलर, आपकी लाइफ देखिए कितनी कलरफुल बना रहे हैं, मजेदार सेगमेंट चल रहा है, हंसी मजाक में बताइए आप सीख रहे हैं वर्ड पावर। और वैसे भी ये टाइम बड़ा खतरनाक है, अगर आप हमारे यहाँ नहीं जुड़ेंगे तो कहीं और जुड़ जाएंगे और वो एरिया कवरेज क्षेत्र से बाहर का जाता है, फिर सिलेक्शन तो छोड़िए लाइफ में कुछ नहीं होता है कि नहीं। अच्छा, पहले हमारी आवाज़ ना बड़ी सोनोरस और बड़ी कैनोरस हुआ करती थी, बहुत मधुर आवाज़ थी, हम बहुत मीठा गाते थे, हम गाते थे तो लोग लाइन लगा के खड़े हो जाते थे, बहुत सारी मूवीज़ में हमने गाने गाए हैं, लेकिन आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते कौवा बिरयानी जैसी आवाज़ हो गई है। तो हे बस इसे झेलें, जो भी आवाज़ है इसके इसके कर्ता धर्ता आप ही लोग हैं, सुबह से शाम तक ऑफलाइन पढ़ेंगे फिर रतिया में ऑनलाइन पढ़ेंगे, तो ऐसे तो होगा ना भाई, थोड़ा सा एडजस्ट करिए, कल तक का हमें टाइम दीजिए, कुछ इधर उधर की चीज़ें खा के हम सही करते हैं, ठीक है। और गर्म पानी की व्यवस्था यहाँ पे नहीं है, नहीं तो गर्म पानी वगैरह पी लेते, बट चलिए पढ़ते हैं। तो बकैनलियन का मतलब शराबी, तो बच्चन जी की एक मूवी आई थी जो बकैनलियन थी शराबी, तब तब बच्चन जी की एक मूवी बकैनलियन थी शराबी। अगला है बुल हेडेड, बुल हेडेड मतलब जिद्दी या हठी, भाई मेरे बुल मतलब बैल, तो कई बार देखते नहीं हो बैल जो होता है बछड़ा उछड़ा सर के बगल आपसे आपको दौड़ा लेता, आप कहते हो चलो आगे चलो, जॉब ही नहीं करता, कई बार तो आप उसको ले जाइए ससुरा बैठ जाता है, फिर आपकी मजाल है कि आप चाहे जितने हार्स पावर का बल लगा लीजिए उठेगा नहीं। तो बुल क्या होते हैं, बैल क्या होते हैं, बुल हेडेड होते हैं, जिद्दी होते हैं, अड़ियल होते हैं। अगला है बिलेटेड, बताना क्या है बच्चा, लेट मतलब देरी से, पता लगा किसी का बर्थडे था आप भूल गए, अचानक आपको याद आया, ओ माय गॉड क्या से क्या हो गया, देखते देखते तब आप 10 बजे रतिया में बर्थडे विश किए, बिलेटेड, तो आपने कहा सॉरी फॉर दैट इनकन्वीनियंट थिंग्स, है कि नहीं। बिलेटेड मतलब मैंने जो ये देरी से आपको बर्थडे विश किया उसके लिए मैं कहीं ना कहीं सॉरी चाहता हूँ। तो देखिए बिलेटेड, लेट में आपने किसी को बर्थडे वगैरह विश किया, तो बिलेटेड मतलब बच्चा लोग देरी से, ठीक है। अगला देखिए, जैसे हमारी क्लास में भी बहुत सारे बच्चे बिलेटेड आते हैं, देरी से आते हैं ना। देखिए प्रेम प्रकाश जी अभी से गुड नाइट बोल दिए, पता नहीं गुड नाइट यहाँ बोल के और कहीं जा रहे हैं ये, और कलुआ डाकू अब ब्लॉक होने के कगार पे है, लग रहा है कलुआ डाकू को ब्लॉक करना पड़ेगा, हम सोच रहे हैं वैसे ये डाकू लोग अनपढ़ गवार होते ही हैं, ये पढ़ लिख लें थोड़ा, इनका परिवार शिक्षित हो जाए, जो फिर ये डकुआन वगैरह लाए तो वो भी शिक्षित रहें, लेकिन इसका जिस तरीके से चाल चलन दिख रहा है हमें लगता नहीं है कि ज़्यादा दिन तक सर्वाइव कर पाएगा, इसे लगता है ब्लॉक करना पड़ेगा। तो हे डाकू खानदान के महामति साम्राज्य के महिषासुर सुधर जाओ और कमेंट पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड करो। अगला देखो बार्गेन, बार्गेन का मतलब मोल भाव करना, हैगल करना, मोल भाव करना, इसमें तो लड़कियों को या महिलाओं को पीएचडी होती है कि पता चला गई सब्जी खरीदने तो धनिया फ्री में झटक लाएंगी, तो बार्गेन करना यानी मोल भाव करना। बॉक्सम मतलब होता है गोल मटोल महिला, गोल मटोल महिला, खूब मोटी सी खूब छोटी सी गोल मटोल ढोलक जैसी महिला को गोल मटोल महिला के लिए लगता है, किसी पुरुष या वगैरह बच्चों के लिए न लगा देना, ये गोल मटोल महिला के लिए लगता है। बेल फूल का मतलब हानिकारक, बाबू सेहत के लिए तू हानिकारक है, हानिकारक हानिकारक। अगला है बैनल, बैनल मतलब तुच्छ या मामूली, तुच्छ या मामूली, घिसा पिट, ट्राइवियल, मामूली, हैकनेड ना, पता लगा एक ही चीज डेली डेली आप बोल रहे हैं वो घिसी पिटी लगने लगी। अच्छा इसका नाउन भी आ चुका है बेनल्टी आपके एग्जाम में, तो बैनल आए या बेनल्टी आए इसी से मिलता जुलता है। अब आइए याद कैसे करें, याद करना हुआ बेहद आसान, बारगेन को कैसे याद करेंगे, गेन मतलब प्राप्त करना,
तो कुछ लाभ गेन करने के चक्कर में, कुछ लाभ गेन करने के चक्कर में हम लोग शॉपकीपर यानी दुकानदार से बार्गेन करते हैं कि कुछ कम हो जाए, कुछ लाभ गेन, सबको पता ना गेन नॉलेज करते हैं, गेन थिंग्स करते हैं, गेन मतलब पाना, प्राप्त करना, तो कुछ प्रॉफिट गेन करने के चक्कर में दुकानदार से हम लोग बार्गेन करते हैं, कुछ प्रॉफिट गेन करने के चक्कर में या कुछ प्रॉफिट गेन करने के लिए हम लोग दुकानदार से बार्गेन करते हैं, मोल भाव करते हैं। तो बार्गेन मतलब मोल भाव करना। अगला है बॉक्सम। बॉक्सम को रिलेट कर लो बॉक्सिंग। बॉक्सिंग होती है ना, वो आप लोग देखते होंगे WWE में, तो जो चाइनीज पार्टिसिपेंट्स होते हैं, क्योंकि तो छोटी सी महिला आएंगी और डिस्कुम डिस्कुम कितना ज्यादा मारती हैं, तो जो बॉक्सिंग करने महिला आए वो बॉक्सम है, गोल मटोल है, छोटी सी नाटी सी ढोल जैसी। अगला है बेल फूल। बेल फूल मतलब हानिकारक। तो बेल का फूल, गांव में बेल होता है ना, बेल का फूल, बेल का फूल तोड़ते समय बेल का फूल तोड़ना, ये बेल फूल है हानिकारक, क्योंकि बेल के कांटे इतने बड़े बड़े होते हैं ना कि कोना सूज काम नहीं देगा, इस पार से उस पार हो जाता है। तो बेल का फूल तोड़ना ये आपके लिए बेल फूल हो सकता है, डेट्रीमेंटल हो सकता है, हानिकारक हो सकता है। तो बेल का फूल तोड़ना ये आपके लिए बेलफुल है, या बेलपत्र तोड़ना यह आपके लिए बेलफुल है, हानिकारक है, कांटे होते हैं उसमें। अगला है बैनर। बैनर मतलब तुच्छ या मामूली। किसी ने पनीर बनाया भाई, पनीर बनाया, लेकिन ऐसी पनीर बनल एकदम तुच्छ, पनीर जा रहा है मंफोड़गंज और पनीर का पानी जा रहा है तेलियरगंज ना, तो बनल। और आप हमसे पूछे सर बताइए कैसा बनल, तो मैंने कहा ये आपकी सब्जी बनल था लेकिन एकदम बैनल। तो बैनल, बैनल, तो जो सब्जी बनी वो बैनल, तुच्छ मामूली बेकार। तो बैनल मतलब तुच्छ या मामूली। और अगर ऐसे ना याद हो ना, तो दूसरा तरीका है बैन। जो चीजें समाज में बैनल है, तुच्छ है ना, उसको सरकार को बैन कर देना चाहिए। तो सरकार ने क्या बैन कर दिया, बैनल चीजें, तुच्छ मामूली घिसी पिटी चीजों को सरकार ने बैन कर दिया। तो बैन क्या किया, बैनल चीजों को। तो चाहे ऐसे रिलेट कर लो और चाहे बैनल से याद कर लो, समझ आ रहा है ना। बिगाइल, बिगाइल का मतलब होता है धोखा देना, धोखा देना। भाई मेरे, अगर किसी को आपने भगाइल, किसी को आपने भगाइल, तो उसने अपने घर वालों को क्या दिया, धोखा दिया। तो किसी को भगाइल यानी उसकी फैमिली को क्या करना, बिगाइल, धोखा देना। या ऐसे तरीका है बगल। ट्रेन वगैरह में आते हैं, लिखा रहता है साफ साफ कि जहर खुरानों से सावधान, किसी कोई चाय बिस्किट दे तो ना खाएं, लेकिन आप ठहरे एकदम भुखा टाइप के आदमी, सामने वाले ने पूछा चाय पियेंगे, कहेंगे काहे नहीं पियेंगे, बिल्कुल पियेंगे, फ्री में हम जहर पी लें, चाय का चीज है, और उसने चाय पिला दिया, आप लुढ़क गए और कुछ देर बाद वो सब लूट लाट के चला गया। तो बगल वाले ने आपको क्या दिया, बिगाइल, धोखा दिया। तो चाहे बगल से याद कर लो कि बगल वाले ने आपको बिगाइल दिया, धोखा दिया, और चाहे भगाइल से याद कर लो, किसी को कहीं से भगाइल, ये बिगाइल यानी धोखा देना। अगला है बैटल। बैटल का मतलब वार होता है, युद्ध, लेकिन ये दो कम्युनिटी या दो समुदाय के बीच में युद्ध होता है। पहले के जमाने में जब दो कम्युनिटी भिड़ा करती थी, जैसे द बैटल ऑफ प्लासी, द बैटल ऑफ चौसा, द बैटल ऑफ पानीपत, द बैटल ऑफ बक्सर ना, तो पहले के युद्ध को बैटल कहा जाता था। और जो इंटरनेशनल का युद्ध होता है, इंटरनेशनल लेवल का, वो वार होता है। तो आप लोग जीएस पढ़ते ही हैं तो हिस्ट्री में ऐसे ही तो पढ़ते हैं, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ बक्सर, यानी बैटल मतलब युद्ध। अगला है बुली। बुली का मतलब इंटिमिडेट करना, डराना, धमकाना, डराना या धमकाना। अभी इसी का हम आपको पढ़ा रहे थे, क्या बोलते हैं, ब्रोबीट। तो बुली को रिलेट कर लो कुली। जो बड़ा कुली होता है वो छोटे कुली लोगों को बुली करता है, डराता है। या बुल से भी रिलेट कर लो, बुल जो बड़ा सा बैल है वो छोटे बैलों को बुली कर रहा है, डरा रहा है। तो चाहे बुली से याद कर लो, चाहे बुल से, चाहे कुली से। अगला है बामी। बामी मतलब सुखद या आरामदायक, सुखद या आरामदायक। कहते हैं कितना सुखद मौसम है, कितना आरामदायक मौसम है ना, तो सुखद या आरामदायक। तो बामी को पता है आरामदायक, आरामदायक। बामी को कैसे याद करोगे आप, बामी को याद कर लो बाम, झंडू बाम। सर दर्द करता है ना, तो आप झंडू बाम लगाते हैं, तो झंडू बाम लगाते ही बामी फील होता है, सुखद फील होता है, सुहावना फील होता है कि नहीं। समझ आ रहा है बच्चों, समझ आ रहा है ना आप लोगों को, समझ आ रहा है तो वीडियो को शेयर लाइक जरूर करिएगा। एमबीए टारगेट भाई आ गए, चलिए चलिए, बढ़िया है, आइए। नेक्स्ट है आपका
बेस्टो, बेस्टो का मतलब देना या प्रदान करना, इम्पार्ट करना, देना या प्रदान करना, देना या प्रदान करना। और बिट्रे का मतलब धोखा देना, चीट करना किसी को, धोखा देना, बिल्क करना। बिरेट मतलब डांटना, फटकारना, डांटना या फटकारना, फटकारना। ब्रिटल मतलब होता है क्षण भंगुर या कमजोर, फीबल, क्षण भंगुर जो क्षण में टूट जाए या कमजोर। अब याद कैसे करेंगे बच्चा लोग, देखिए, बेस्टो, बेस्ट लोगों को, जो समाज के बेस्ट लोग हैं उनको हर साल बेस्टो दिया जाता है। जैसे बॉलीवुड में जो बेस्ट मूवी बनाएगा उसको बेस्टो, मतलब बेस्ट मूवी का, बेस्ट मूवी बनाने वाले को बेस्ट अवार्ड बेस्टो किया जाता है। बेस्ट अवार्ड क्या किया जाता है, बेस्टो दिया जाता है। बेस्ट लोगों को बेस्ट अवार्ड बेस्टो किया जाता है। बेस्ट लोगों को या बेस्ट एक्टर को या बेस्ट एक्ट्रेस को बेस्ट अवार्ड बेस्टो किया जाता है, दिया जाता है। तो बेस्टो मतलब देना। अगला है बेट्रे, बेट्रे का मतलब धोखा देना। तो ट्रे से याद कर लीजिए कि हलवाई ने कहा था कि हम 300 ट्रे देंगे शादी में, लेकिन दिया नहीं, तो ट्रे ना दे के उसने मुझे बिट्रे किया, धोखा दिया। या बिट्रे को बैटरी से याद कर लो, बैटरी। कई बार बीच रास्ते में आपकी फोन की बैटरी आपको बिट्रे दे देती है, धोखा दे देती है, बीच में खत्म हो जाती है, बंद मोबाइल, अब बाबू सोना परेशान। तो बैटरी आपकी आपको आपको बीच रास्ते में बिट्रे कर देती है, धोखा। और इसी से बिट्रेयल बनता है, धोखे से ही रिलेटेड, तो कोई नया वर्ड नहीं है। अगला है बीरेट, बीरेट मतलब डांटना। तो बारात में, बारात में बच्चों को लोगों ने बीरेट कर दिया, डांट दिया। तो बारात में बच्चों को किसी ने बीरेट कर दिया, डांट दिया, तो बीरेट मतलब डांटना। या दूसरा तरीका है विराट, विराट कोहली। जब विराट कोहली क्रिकेट में अच्छा रन नहीं बनाते हैं तो अनुष्का भाभी उन्हें बीरेट करती हैं, क्या तुम तो किसी काम के नहीं हो, है कि नहीं, ऐसा बोल देती हैं। तो विराट कोहली जब मैच में अच्छा परफॉर्म नहीं करते, अब कल ही देख लीजिए, विराट कोहली कहते हैं कि क्या बोलते हैं कि लड़ाई झगड़ा कुछ कर लिए थे गौतम गंभीर से, तो अनुष्का भाभी ने कल बलभर डांटा है, आपको शायद नहीं पता है। तो विराट कोहली को कल अनुष्का भाभी ने बिरेड किया है, डांटा है, फटकारा है कि आप इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं, बताइए आप बच्चों की तरह लड़ जाते हैं। तो विराट कोहली को अनुष्का भाभी ने बिरेड किया है, डांटा है, फटकारा है। अगला है ब्रिटल, क्षण भंगुर या कमजोर, जो आसानी से ब्रेक हो जाए, जो आसानी से ब्रेक हो जाए, टूट जाए, जो आसानी से ब्रेक हो जाए वो ब्रिटल है। या ब्रिक ईंट होता है ना, ब्रिक जो होती है, जो कच्ची ब्रिक होती है वो ब्रिटल है, क्षण भंगुर या कमजोर। या जो आसानी से ब्रेक हो जाए वो ब्रिटल है, कमजोर। तो चाहे ब्रेक से याद कर लें, चाहे ब्रिटल से याद कर लें। अगला है आपका बियरेबल, बियरेबल, बियरेबल का मतलब सहने योग, सहने योग, सहने योग, सहने योग्य, यानी जिसे बर्दाश्त किया जा सके, ये एडजेक्टिव है। इसका वर्ब होता है बियर, BER, बियर, ठीक है। इसको नाउन बनाएंगे तो इस बियर मतलब भालू या रीछ होता है, और वर्ब बनाएंगे तो इसका मतलब सहना या बर्दाश्त करना, सहना या बर्दाश्त करना। तो जो मान लीजिए पति पत्नी है, झुमरू और झुमरियान, झुमरू पहले शादी से पहले बहुत बड़ी बड़ी फेंके थे, बाद में झुमरियान को पता चला कि बल भर ये बकैनेलियन आदमी है, यानी शराबी आदमी है, पियक्कड़ आदमी है, अब डेली डेली ये झुमरू है, ये झुमरू है, थोड़ा झुमरियान को सजा देते हैं ताकि एकदम क्लियर, ये झुमरियान है, ठीक है, ये झुमरू है। तो देखो भाई, झुमरू डेली शराब पी कर आते हैं, घर में बवाल करते हैं, तो झुमरू बियर, BER, ये बियर महुआ महारानी वाला शराब। तो जब झुमरू बियर पी के आते हैं तो पत्नी अब तलाक तो दे नहीं सकती झुमरियाई, तो बियर पी के आते हैं तो इनको बियर करती हैं, बर्दाश्त करती हैं। शराबी पति जो बियर पी के आता है फिर भी पत्नी को बियर करना पड़ता है, सहना पड़ता है, क्योंकि कस्मे वादे प्यार वफा, 7 जन्मों का बंधन निभाना है। तो शराबी पति अगर बियर पी के आता है फिर भी पत्नी को उसे बियर करना पड़ता है, सहना पड़ता है, ये वर्ब है। और ये है बियरेबल, सहने योग्य या सहनी, ठीक है। अगला है ब्लिस्टर, फफोला होता है, फफोला। जब आप जल उल जाते हैं तो तुरंत देखिए, अगर कोलगेट या बोरोप्लस टाइम से नहीं लगाएंगे तो फफोला पड़ जाता है। तो एक दिन मैं सुबह सुबह बिस्तर से उठा, और जैसे बिस्तर से उठा, पता नहीं मुझे क्या काट लिया,
कि हाथ में ब्लिस्टर पड़ गया, तो बिस्तर से उठते ही हाथ में ब्लिस्टर पड़ गया। मेरे भैया बिस्तर से उठते ही हाथ में ब्लिस्टर पड़ गया, फफोला पड़ गया, आपकी कसम सच कहते हैं हम। एक दिन हम सुबह सुबह जैसे ही बिस्तर से उठे, देखे हाथ में ब्लिस्टर पड़ गया, फफोला पड़ गया। तो बिस्तर से उठते ही शरीर में ब्लिस्टर पड़ गया, फफोला पड़ गया। नेक्स्ट है बिगेट। बिगेट मतलब उत्पन्न करना या पैदा करना, उत्पन्न उत्पन्न करना या प्रोड्यूस करना, पैदा करना, उत्पन्न करना या पैदा करना। कहानी नहीं सुने हैं, वायलेंस बिगेट्स वायलेंस, हिंसा हिंसा को जन्म देती है या पैदा करती है। तो वायलेंस बिगेट्स वायलेंस ऐसे याद कर लो, या बिल गेट्स से याद कर लो। सबको पता है माइक्रोसॉफ्ट को किसने पैदा किया है, किसने बनाया है, बिल गेट्स ने। तो बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को बिगेट किया है, बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को बिगेट्स किया है, बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को बिगेट किया है, पैदा किया है, बनाया है। तो बिल गेट्स, बिगेट्स मतलब उत्पन्न करना, पैदा करना। अगला है बिविल्डर। बिविल्डर का मतलब किसी को कंफ्यूज करना, किसी को भ्रमित करना या कंफ्यूज करना, किसी को भ्रमित करना या किसी को कंफ्यूज करना ना, इसको याद का कराएं। बीबी जो होती हैं, बीबी होती हैं कई बार पति बाहर गए हैं और आए घर देखे तो पता चला बीबी जो है पत्नी प्राणदायी का मुल्तानी मिट्टी पोत के बैठी हैं और खीरा उरा आँख में रखी हैं, सूख गया है। जैसे पति अंदर आया देख के बेचारा डर के भाग चला, तो उन्होंने कहा टेंशन ना लीजिए चुन्नू की पापा, हम आपकी अर्धांगिनी हैं। इतना सुन के तब उसको चैन आया। तो बीवी कई बार अपने पति को क्या कर देती हैं, बिविल्डर कर देती हैं, कंफ्यूज कर देती हैं। बीवी कई बार अपने पति को बिविल्डर कर देती हैं, कंफ्यूज कर देती हैं। या बिल्डर से भी आप चाहें तो याद कर लें कि बिल्डर ने बिविल्डर किया। नेक्स्ट है आपका बिकर, ब्लीक, बैरिस और बमकिन। बिकर का मतलब होता है झगड़ा करना या लड़ाई करना। अगला है ब्लीक, निराशाजनक स्थिति या निराशापूर्ण। कहते नहीं बहुत निराशाजनक स्थिति चल रही है। बैरिज मतलब गोला बारूद का क्या करना, ताबड़तोड़ फायरिंग करना। बैरिज का मतलब होता है बमबारी करना या गोला बारूद बरसाना, गोला बारूद बरसाना मतलब कहीं पे बमबारी करना, गोला बंदूक बहुत जल्दी जल्दी। जैसे केजीएफ में एक जहाज सीन नहीं होती जहां अधीरा को केजीएफ सैकड़ों गोली मरवाता है, मजा लाया अधीरा को चोट लगी है कि नहीं। तो बम गोली बारूद बरसाना। बमकीन का मतलब होता है गवार, जाहिल, गवार या असभ्य, अनसिविलाइज्ड, गवार या असभ्य। याद कैसे करेंगे? बीकर को रिलेट कर लो बाइकर, बाइक चलाने वालों को बाइकर कहा जाता है। दो बाइकर आपस में बीकर कर लिए, झगड़ा कर लिए, दो बाइकर आपस में भिड़ गए तो फिर झगड़ा हो गया। तो दो बाइकर आपस में बीकर कर लिए, झगड़ा कर लिए, दो बाइकर बीकर कर लिए, झगड़ा कर लिए। तो दो बाइकर ने बीकर किया, झगड़ा किया। ब्लीक का मतलब निराशाजनक, जब आपका कोई प्लान लीक हो जाता है, तो स्थितियां पूरी तरह से ब्लीक हो जाती हैं, निराशाजनक या निराशापूर्ण हो जाती हैं। अगला है बैरेज। बैरेज को रिलेट कर लो गैरेज। एक मूवी आई थी एनटीआर की, जनता गैरेज या गैराज, या गैरेज तो आप लोग जानते ही होंगे ना, गैरेज जहां गाड़ी वाड़ी बनता है। तो कहीं कोई गैरेज था और वहां पे कोई 10-20 लोग आए और बैरेज कर दिए, यानी गोला बारूद एकदम लगातार बरसा दिए। तो गैरेज में क्या हुआ, बैरेज हुआ, गोलीबारी बरसाई गई, तो गैरेज बैरेज। और बम्पकिन, बम्पकिन मतलब गवार या सब होता है। तो बम्पकिन को रिलेट कर लो नमकीन। जो आदमी दाल चावल के साथ नमकीन मिला के खाए, मिला के तो आप देखोगे तो कहोगे नहीं गवारों जैसा खाना खा रहे हो। तो जो दाल चावल में नमकीन मिला के खाए वो आदमी बम्पकिन है, यानी गवार है या सभ्य है। जो नमकीन दाल चावल में जो नमकीन मिला के खाए वो बम्पकिन टाइप का है। चलो नेक्स्ट है बैगी। बैगी ब्रेक थ्रू, बेनिशन, बेनिबुलेंट, ठीक है। चलिए बताइए, इतने सारे वर्ड हम आपको जो सिखाए बच्चा लोग, इतने सारे जो वर्ड आपको अभी सिखाए गए
उसमें बताइए समझ आ रहा है कि नहीं। बैगी का मतलब ढीला ढाला, ढीला ढाला कपड़ा वगैरह ढीला ढाला लूज है तो उसे बोलते हैं ढीला ढाला। ब्रेक थ्रो का मतलब खोज होती है, खोज खोज डिस्कवरी। बेनिशन मतलब होता है ब्लेसिंग आशीर्वाद, आशीर्वाद। और बेनिबोलेंट दयालु या परोपकारी, ऑल्ट्रुइस्टिक टाइप का, कल पढ़ाए थे ना लास्ट में, परोपकारी या दयालु, परोपकारी या दयालु। चलिए बैगी, बैगी को रिलेट कैसे करेंगे, बैग भाई जो आप बैग लिए हैं कितना ज्यादा ये ढीला ढाला है, तो आपका बैग क्या है, बैगी है, ढीला ढाला है। अगला है ब्रेक थ्रो, ब्रेक थ्रो का मतलब खोज, तो ब्रेक मतलब तोड़ना, थ्रो मतलब से होकर, तो कहीं जंगल को तोड़ ताड़ के या चट्टान को तोड़ ताड़ के हमने कुछ खोजा, तो ब्रेक करके चीजें ब्रेक थ्रो की जाती हैं, चीजों को ब्रेक करके ही तो ब्रेक थ्रो किया जाता है। तो चट्टान आपने ब्रेक किया, जैसे वो माउंटेन द माझी मैन के बारे में सुने ही होंगे, पूरा माउंटेन उन्होंने ब्रेक किया, तब जाके उन्होंने रास्ता क्या किया, ब्रेक थ्रो किया, खोजा। बेनीशन का मतलब आशीर्वाद होता है, तो बेनी कपूर का सन, बेनी कपूर का सन, बेनी कपूर का सन, सबने सुना होगा अर्जुन कपूर, अरे बोनी कपूर है ना, तो बोनी कपूर के जो सन है अर्जुन कपूर, अरे बोनी कपूर वही जो बहुत बड़े क्या है एक तरीके से प्रोड्यूसर वगैरह है ना, अरे अर्जुन कपूर के पापा श्रीदेवी जी के हस्बैंड, अनिल कपूर के बड़े भाई, अर्जुन कपूर के सबसे बड़े वाले भाई, जानवी कपूर के पिताश्री, लाडला मूवी के प्रोड्यूसर डायरेक्टर, कुछ याद आया? तो बोनी कपूर के सन की जब पहली मूवी आ रही थी इशक ज़ादे यानी अर्जुन कपूर की, तो बॉलीवुड के साले सारे सेलिब्रिटी ने उन्हें बेनिशन दिया, आशीर्वाद दिया कि आपकी मूवी चले, तो बेनी कपूर के सन को सारे लोगों ने अपना अपना बेनिशन दिया, आशीर्वाद दिया। नेक्स्ट है बेनी बोलेंट, बेनी बोलेंट मतलब होता है परोपकारी दयालु, एक ऐसा आदमी जो आज के जमाने में दूसरों को बेनिफिट पहुंचाए, बेनिफिट मतलब लाभ, एक ऐसा आदमी जो दूसरों को बेनिफिट पहुंचाए वो बेनिबोलेंट है, एक ऐसा आदमी जो दूसरों को बेनिफिट पहुंचाए वो बेनिबोलेंट है, परोपकारी है, दयालु है, एक ऐसा आदमी जो दूसरों को बेनिफिट पहुंचाए वो बेनिबोलेंट है, परोपकारी है, दयालु है। हाफ सेंचुरी तो हम लोगों ने लगा ली है, अभी इतना ही बचा है, तो थोड़ा आपसे बतिया लें 2 मिनट, फिर आगे की जर्नी फिर स्टार्ट करें, आज खत्म तो करना है, बाई हुक आर बाई क्रुक। चलिए आइए अपने विचार विमर्श हमारे समाज चलाइए, और कुछ हम कहें कुछ तुम कहो, ये सिलसिला यूं ही चलता रहे, ये थमना नहीं चाहिए, है कि नहीं, बदले बताइए 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 बच, चलो चलिए आइए। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, विकास जी हैं, स्वाति जी हैं, सही पकड़े हैं सर, ये लगता है भाभी जी घर पे हैं, सीरियल बच्चा देखता है। आनंद जी, रोजी जी, एजुकेशन टेक, गुड इवनिंग डियर, वेरी गुड इवनिंग। आरजू जी, उपेंद्र जी, अभिषेक जी, खुशबू जी, पटेल जी, पारुल जी, सौरभ जी, एमबीए टारगेट, पूर्णिमा जी, स्वाति जी, चलिए वीडियो को शेयर करिए, बच्चे कम हो रहे हैं धीरे धीरे, इनके लिए जान हथेली पे हम ले आए रे, लेकिन इनको समझ नहीं आए रे। सचित वामा, एमबीए टारगेट, लव यू टू डियर, रुचि जी, मिस्टर राज, ये जो बच्चे हैं ना ये ज्यादा दिमाग अपना लगाते हैं, ये लाइव नहीं देखते हैं, फिर बाद में देखते हैं, अब हम सोच रहे हैं ना आज इसको पढ़ा दें, फिर कल से ना जो पढ़ाएंगे लाइव रहेगा उसके बाद प्राइवेट कर देंगे, तब इनको समझ आएगा, ये आराम से सोएंगे, आराम से टंकी में बैठ के बाबू सोना जादू टोना से बतियाएंगे, और हम यहाँ रतिया में 12 बजे आपको क्लास लें, मतलब इनको समझ ना आ रहा है, कल से बताते हैं, कल से जो लाइव देखेगा वही देखेगा, अदरवाइज सारी क्लास प्राइवेट तुरंत हो जाएगी लाइव के बाद, तब समझ आएगा, ये बहुत हीरो बनते हैं, हम बता दे रहे हैं, लाइव रहिएगा नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा, कहानी नहीं सुने हैं, न खेलब न खेलै देब खेलबै बिगाड़ देब, वही वाला है कहानी। चलिए सारे बच्चे कह रहे हैं क्लियर है, क्लियर है, सब सो रहे हैं, सही बात है, सब वही, तो धीरे धीरे ये कम होते जाते हैं ना लास्ट में,
अरे भाई हम लास्ट तक उसी एनर्जी से तभी ना पढ़ा पाएंगे जब सारे लोग जुड़े, और जितने लोग देख रहे हैं कम से कम उतने लोग लाइक तो कर दो बच्चा। चलिए जितने लोग देख रहे हैं सारे लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा। चलिए अगला है, कहाँ पहुंचे? हाँ, बाइफर्केट। बाइफर्केट मतलब होता है दो भागों में बांटना, दो भागों में बांटना, दो भागों में बांटना। जैसे रास्ता वास्ता कहीं बीच से निकल गया तो दो पार्ट में बांट दिया, तो दो भागों में बांट। बीफिट का मतलब उपयुक्त या उचित, सुटेबल। बैटी मतलब सनकी या पागल, सनकी या पागल। बैटी का क्या मतलब? सनकी या पागल। बकोलिक का मतलब रूरल क्षेत्र से, गांव से रिलेटेड, ग्रामीण, ग्रामीण या देहाती। अब याद कैसे करेंगे? आइए, बाई देखो केमिस्ट्री वगैरह में पढ़े होगे, बाई का मतलब दो हो भाई करता है, मोनो मतलब एक, बाई मतलब दो, ट्राई तीन, पेंटा पांच, हेक्सा छह, आक्टान आठ, ऐसे पढ़े होगे ना। तो बाई का मतलब दो चीजों को दो करना, यानी चीजों को बाई करना यानी बाई फर्केट करना, चीजों को बाई करना यानी बाई फर्केट करना, चीजों को बाई करना यानी बाई फर्केट करना। यानी बाई मतलब दो होता है, तो चीजों को दो पार्ट में करना, दो पार्ट में करना, तो बाई मतलब बाई फर्केट करना। अगला है बी फिट। तो कहते नहीं है आप इस रोल के लिए फिट हैं, मूवी वगैरह में कहते नहीं इस रोल के लिए आप फिट हैं, यानी आप भी फिट हैं। आप इस काम के लिए फिट हैं, यानी आप भी फिट हैं। तो अगर आप किसी काम के लिए, किसी रोल के लिए फिट हैं, तो यानी आप भी फिट हैं, उपयुक्त हैं। अगला है बैटी, सनकी या पागल, जो बाटी चोखा के लिए लड़ाई कर ले। जो आदमी बाटी चोखा के लिए लड़ाई कर ले वो क्या है? बैटी है। जो बाटी के लिए झगड़ा कर ले कि तीन बाटी मिलना चाहिए, दो ही मिली, तो इसके लिए लड़ जाए, तो जो बाटी के लिए लड़ाई करे वो बच्चा बैटी है, यानी सनकी है, पागल है, इंसेन है। अगला है बकोलिक। देखिए BUCOLI, बकुली। आप सबको पता है बकुली, बकुला गांव में पाया जाता है, शहर में तो पाया ही नहीं जाता। तो बकुली कहाँ पाई जाती है? बकोली के एरिया में, ग्रामीण क्षेत्र में, देहाती क्षेत्रों में। तो बकुली कहाँ पाई जाती है? बकोली के एरिया में ना। अगला है बैटर, बेलिटल, ब्रूटल, बेमन। तो बैटर का मतलब होता है पीटना। IPL ने तो मैच की ऐसी की तैसी कर रखी है ना, तो बैटर कौनों फॉर्म में रहता है, तो बैटर ने बॉलर को इतना ज्यादा पीट दिया कि बॉलर का पूरा फॉर्म ही गायब हो गया। तो बैटर ने बॉलर को बैटर कर दिया, बैटर ने बॉलर को बैटर कर दिया, पीट दिया। किसी को लठिया लाठी चप्पल चप्पल मारना, उसे बैटर कहते हैं। तो बैटर ने बॉलर को बैटर कर दिया, पीट दिया। अगला है बिलिटल। बिलिटल है किसी को कम आंकना, किसी को कम आंकना, किसी को कम आंकना। कहते नहीं हमको बहुत आता, आपको कुछ नहीं आता। तो किसी को अपने से कम आंकना, जो कि बहुत बुरी आदत है, किसी को हमेशा डिमोलाइज। तो बिलिटल, बिलिटल को याद कैसे करोगे? लिटल मतलब छोटा, बी मतलब होना, किसी को अपने से हमेशा छोटा होना, मतलब किसी को अपने से लिटल रखना कि तुम हमसे बहुत छोटे हो, तुम ये नहीं जानते हो। बिलिटल तो किसी को अपने से लिटल मानना, छोटा मानना, यानी उसको बिलिटल करना, अपने से कम आंकना। अगला है ब्रूटल। ब्रूटल मतलब क्रूर होता है, क्रूर या निर्दयी। बलवन और औरंगजेब बहुत ही ब्रूटल टाइप के शासक हुआ करते थे। वो औरंगजेब तो तेल में कड़वाता था लोगों को भाई। तो ब्रूटल याद कैसे करेंगे? जो आदमी लोगों को लूटल, कौन था? अंगुलीमल करके कोई राज, वो था ना, वो राजविदों को लूट लेता था। तो जो रास्ते में लोगों को लूटल, जो आदमी मासूम लोगों को रास्ते में लूटल, जो आदमी चाकू छुरा बंदूक दिखा के मासूम लोगों को रास्ते में लूटल, वो आदमी है ब्रूटल। जो लूटल लोगों को वो है ब्रूटल, यानी क्रूर है, निर्दयी है ना, उसके अंदर दया नहीं है, दिल नहीं है। जो लोगों को लूटल वो है आदमी ब्रूटल। अगला है बेमन। बेमन का मतलब दुखी होता है या बिलाप करना भी होता है। बेमन बिलाप करना, बिलाप करना या रोना या बिलखना ना, बिलखना कई सेंस में, तो ये उदास के भी सेंस में आ जाता है। याद कैसे करेंगे? बेमन को रिलेट कर लो बिना मन, बिना मन, बिना मन के कोई काम करेंगे तो बाद में आप उसमें बेमन करेंगे, बिलाप करेंगे। या बेईमान लोग, बेईमान लोग,
बेईमान लोग हमेशा बेमन करते हैं, विलाप करते हैं, बेमौन, विलाप करना, रोना, बिलखना। तो बिना मन के कोई काम करेंगे तो बेमौन करेंगे, विलाप करेंगे। या बेईमान लोग आगे चल के बेमौन करते हैं, विलाप करते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं। अगला वर्ड है बार्टर, ब्लेसिंग, बुकिश और ब्लेमिश। तो बार्टर का मतलब अदला बदले, अदला बदले, अदला बदले, अदला बदला, या आदान प्रदान, आदान प्रदान। ये पता चला भाई चावल ले लो हमसे लेकिन आटा दे दो, रोटी ले लो लेकिन चावल दे दो, तो उसे बार्टर बोलते हैं। याद कैसे करेंगे? बर्तन। यहाँ जब आप रहते हो लाज वगैरह में रूम लेके रहते हो तो देखिए बर्तन का खूब बार्टर होता है, खूब अदला बदली होती है। पता चला आपका कटोरी किसी दोस्त के ऊपर वाले के कमरे में टहल रही है 4.5 महीने से और उनकी थाली आपके कमरे में मचल रही है कि नहीं? तो बर्तन आपके बदलते बदलते रहते हैं। तो बर्तन की आप क्या करते हैं? बार्टर। बर्तन की आप क्या करते हैं? बार्टर, अदला बदली। बर्तन की आप क्या करते हैं? बार्टर, अदला बदली। अगला है ब्लेसिंग, आशीर्वाद। अभी इसी का तो बेनिशन बताए थे, आशीर्वाद। तो ये तो पेपर में कई बार आया लेकिन है आसान। गॉड ब्लेस यू ना, ब्लेसिंग, आशीर्वाद। बुकिश मतलब होता है पढ़ाकू, किताबी कीड़ा, पढ़ाकू, जो बहुत पढ़ता उड़ता है ना, उसी को बोलते हैं बुकिश। जो बुक पूरा चाट जाए, जो हमेशा बुक लेके पढ़ता रहे, वो बुकिश है, पढ़ाकू। और कई बार किताब से रिलेटेड को भी बुकिश बोला जाता है। और याद कैसे करेंगे? जो दिन भर बुक पढ़े वो बुकिस है, पढ़ाकू है। अगला है ब्लेमिस। ब्लेमिस का मतलब होता है कलंकित करना, कलंकित करना, यानी किसी की रेपुटेशन को कलंकित करना या दूषित करना, किसी की रेपुटेशन को, ख्याति को कलंकित करना या दूषित करना, यानी गंदा करना, कलंकित करना यानी दूषित करना। याद कैसे करोगे? ब्लेम। अगर आप किसी पे ब्लेम कर रहे हो तो सबको पता है ब्लेम मतलब आरोप लगाना, डोंट ब्लेम अदर्स विदाउट एनी विविड रीजन ना। तो ब्लेम मतलब आरोप लगाना, और अगर आपने किसी पे ब्लेम कर दिया तो आप उनकी रेपुटेशन को ब्लेमिस कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, कलंकित कर रहे हैं, दूषित कर रहे हैं। तो ब्लेम करना यानी ब्लेमिस करना। अगला है ब्लेस फेमी। ये वन वर्ड में भी बहुत आता है। कहाँ आता है भैया? वन वर्ड में भी ना। चलिए याद कैसे करेंगे? जुड़े हो कि सब गायब हो गए? थोड़ा कमेंट करिए बाबा, सारे लोग वीडियो को शेयर करिए। इतने सारे लोग देख रहे हैं, ओ माय गॉड, इतने सारे लोग देख रहे हैं लेकिन वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं। सारे लोग शेयर करिए, सारे लोग वीडियो को शेयर करिए भाई, सारे लोग जल्दी जल्दी शेयर करिए। हाँ, कमेंट भी करिए, शेयर भी करिए। सारे लोग, जितने लोग देख रहे हैं, जितने लोग देख रहे हैं, सारे लोग कमेंट करिए। चलिए मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। चलिए कमेंट करिए सारे लोग। विराट जी, सचित जी, विकास जी, सस्य सीजल, सारे लोग करिए। चलिए चलिए, सचिता जी, विकास, चलिए सारे लोग जुड़े रहिएगा, भागिएगा नहीं। देखिए ब्लेस फेमी का मतलब क्या होता है? ईश्वरी निंदा, ईश्वरी निंदा, यानी ईश्वर की निंदा। ब्लस्टर का मतलब किसी को धमकी देना या धमकाना, धमकी देना कि कल उठवा लेंगे हम आपको। अभेमत मतलब होता है महमत, विशाल या बड़ा, विशाल या बड़ा। और बैडजर का मतलब किसी को अनुवाय करना, यानी किसी को परेशान करना, किसी को परेशान करना या किसी को सताना। अब मुद्दा आया कि इसको याद कैसे करेंगे। देखिए ब्लेस को रिलेट कर लो ब्लेम, और फेम मतलब प्रसिद्धि। तो अगर ईश्वर की फेम पे आप को डाउट हो रहा है तो आप ब्लेस फेम ही कर रहे हैं। फेम मतलब प्रसिद्धि होता है, उसी से फेमस बनता है, प्रसिद्ध। ब्लेम मतलब आरोप लगाना, तो ये दो वर्ड से बना है, ब्लेम प्लस फेम, तो बना ब्लेस फेमी, यानी ईश्वरी निंदा। पता लगा हनुमान जी का नाम लेके पूरा टिक मार के चले आए और सब माइनस में चला गया। तो हनुमान जी के आगे आके उनके मंदिर के पास आके डायलॉग मार रहे हो कि आप किसी काम के नहीं हैं, हमारा आप सिलेक्शन रोक दिए, अब हम पार्टी बदल रहे हैं, अब शिव भगवान की तरफ जा रहे हैं, अगली बार उनका नाम लेके हम टिक मारेंगे, जाइए आपसे आज कट्टी हो गए, आपसे कोई मतलब नहीं, हम भूल गए कि हनुमान जी की हम कभी पूजा करते थे, ऐसा लोग डायलॉग नहीं मारते। तो ब्लेस का रिलेट कर लो ब्लेम,
और फेम रिलेट कर लो प्रसिद्धि, तो ब्लेस फेमी यानी ईश्वर की प्रसिद्धि के बारे में निंदा करना, ईश्वरी निंदा। अगला है ब्लस्टर, ब्लस्टर मतलब धमकी देना। तो जो ये टेररिस्ट होते हैं आतंकवादी कहते नहीं हैं अभी ब्लास्ट कर देंगे, मुंबई में ब्लास्ट करेंगे, तो ऐसा डराते रहते हैं, उनको छोड़ दीजिए नहीं तो अभी ब्लास्ट कर देंगे, तो ब्लास्ट करने की वो ब्लस्टर देते हैं, धमकी देते हैं। अगला है भीमत, भीमत मतलब होता है विशाल या बड़ा, मैमथ टाइप का। तो ये भीम लिखा है, भीम पांडवों में सबसे हैवी शरीर किसकी थी, भीम की। तो भीम की शरीर कैसी थी, भीमत थी, विशाल थी, बड़ी थी। तो भीमत का मतलब विशाल या बड़ा शरीर में कुछ, जैसे घटोत्कच भी था। बैडजर, बैडजर का मतलब किसी को परेशान करना या सताना, जो लोग गुड होते हैं ना, गुड बॉय गुड पर्सन, वो किसी को सताते नहीं, ये जो बैड होते हैं ना, बैड मतलब बुरा, जो बैड बॉय होते हैं, जो बैड बॉय या बैड गर्ल होती हैं, वो बैडजर करती हैं, सताती हैं। तो बैड लोग दूसरों को बैडजर करते हैं, सताते हैं, परेशान करते हैं। अगला है बच्चा ब्रेव, सबको पता है ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, बहादुर या साहसी, बोल्ड पढ़ाए थे ना, उसी का सिनोनिम है बोल्ड। याद कैसे करेंगे, अडेसियस भी पढ़ाए थे। ब्रेवो करके एक खिलाड़ी है, आप लोग जानते होंगे ब्रेवो, या ऐसे समझिए BRA, ये रूट है इसका, तो कहीं ना कहीं बहादुर से रिलेट कहीं कर लो, बहादुर या साहसी से रिलेट कर लो BRA। तो ब्रेव का मतलब एक ऐसा आदमी जिसके अंदर BRA है यानी बहादुर है, तो ब्रेव मतलब बहादुर, और ब्रेवरी इसका नाउन है, तो ब्रेवरी मतलब बहादुरी या साहस, बहादुरी या साहस। और ब्रेवेडो का मतलब साहस आप में है नहीं लेकिन आप दिखावा करते हैं, तो ये गीदड़ भभकी होता है, गीदड़ भभकी मतलब आपके अंदर साहस नहीं है लेकिन आप इतना दिखावा कर रहे हैं कि बड़े साहसी हैं। जैसे वो हेरा फेरी में वो बाबू भैया नहीं थे, पकड़े काट डालेंगे मार डालेंगे, वो पीछे कहते थे पकड़े रहना छोड़ना नहीं। तो जब आप किसी को डराने के लिए साहस दिखाते हो जबकि है हो नहीं साहसी, तो ब्रेवेडो होते हैं, गीदड़ भभकी। और ब्रजन का मतलब निर्लज होता है, साहस तो दिखाता है लेकिन बैड सेंस में, निर्लज 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 निर्लज। अब थोड़ा सा ध्यान दो, BRA इसमें भी है, BRA इसमें भी है, BRA इसमें भी है, और BRA इसमें भी है, यानी चारों का मतलब बहादुर से है। तो ब्रेव मतलब बहादुर, ब्रेवरी मतलब बहादुरी, और ब्रेवेडो जो ब्रेव होने का ढोंग करे, और ब्रजन जो ब्रेव है लेकिन निर्लज्जता के सेंस में। तो ब्रजन का मतलब निर्लज, ब्रेवेडो का मतलब गीदड़ भभकी, ब्रेवरी मतलब बहादुर, बहादुरी या साहस, और ब्रेव मतलब बहादुर या साहसी। नेक्स्ट है आपका, ओ माय गॉड ये कहां से गड़बड़ हुआ, शिवचंद शिवचंद एक मिनट बच्चा पार्टी, सब गड़बड़ सड़बड़ हो गया। कितना हुआ था 72, बस एक मिनट हम आपसे बात करते हैं, बाकी देखिए कहाँ चला गया। तो और बताइए आप लोगों को समझ आ रहा है, 20-25 वर्ड और बचे हैं, वो भी हम लोग अभी कंप्लीट करते हैं, अभी हम लोगों के पास 20 मिनट बचा भी है, थोड़ा बताइए क्लियर है कि नहीं। अच्छा कबालर है ब्रेवो, अच्छा हाँ इसको आ जाइए, आपका भी चेहरा बच्चे देख लेंगे तो क्या हो जाएगा। ये हमारे सुचन जी हैं भाई, यही सब कुछ करता धरता हैं, कुछ भी गड़बड़ सड़बड़ हुआ करे तो इन्हीं का नाम आप लोग लिया करिए, आराम से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, काफ़ी करा दिए हैं, बस थोड़ा सा बचा। सौरभ जी, एलोन जी, रुचि जी, नितिन जी, नीतू जी, शुभम जी, भोजन कर लेंगे भाई, बस अब जल थोड़ा सा बचा है। मनु जी, मिस्टर राय, आप लोग करिए अच्छे से, कमरे में बैठ के पढ़ते रहिए, भोजन करते रहिए। विराट जी हाँ चलिए, थैंक यू। शिवचंद जी का बहुत बहुत आभार कि आप लोगों की क्लास, चलिए चलिए देखिए। तो डियर ये चाहिए हो गया था, इसको इधर लाना है, चलिए कितना हुआ था बच्चा लोग, अच्छा ये हो गया था। अब देखिए नेक्स्ट, बीवेल लिखा है कहाँ, बल्कि लिखा है, ब्रिविटी लिखा है, बम्बास्टिक लिखा है, बहुत अच्छे से समझिएगा। बेवेल का मतलब भी होता है बिलाप करना, बिलाप करना, बिलाप करना, बिलाप करना या रोना बिलखना होता है, ठीक है।
कैसे रिलेट करोगे? वी वेल को रिलेट कर लो, बिलाप करना, रोना बिलखना। कैसे भैया? आप वेल, जब स्थिति वेल नहीं होती ना, जब स्थिति वेल नहीं होती ना तो हम लोग वेवल करते हैं, जब सिचुएशन वेल अच्छी नहीं गुजरती ना तो हम लोग हमेशा वेवल करते हैं, बिलाप करते हैं, रोकते हैं, बिलखते हैं। तो वेवल मतलब होता है बिलाप करना, रोना बिलखना, खासकर जब किसी की डेथ हो जाती है तो उस समय। तो रिलेट कैसे करेंगे? जब सिचुएशन वेल नहीं होती, अच्छी नहीं होती, तो वेवल करते हैं बच्चे, बिलाप करते हैं। अगला है बल्कि। बल्कि मतलब भारी भरकम, कोई चीज़ का काफ़ी वजनी है, भारी भरकम है, उसे बोलते हैं बल्कि। तो बुल से रिलेट कर लो, बुल मतलब बैल। तो बैल, बाहुबली में जो बैल था वो देखिए शरीर से कितना ज्यादा बल्कि था, भारी था ना। नेक्स्ट है ब्रीविटी। अब देखो भाई, ये एक रूट वर्ड है, आप लोग जान लें, BRE या BRI जहां भी आएगा इसका मतलब शॉर्ट करना होगा, संक्षिप्त करना होगा। इसी से बनता है एब्रीविएट, कम करना या संक्षिप्त करना, ब्रीफ केस, ब्रीविटी, एब्रीब्रिएट, एब्रीब्रिएशन ना, ऐसे करके। तो ब्रीविटी का मतलब ये ब्रीफ, ये ब्रीफ का मतलब संक्षिप्त। कहते नहीं सर थोड़ा सा क्लास को ब्रीफ कर दीजिए, संक्षिप्त में रिवाइज कर दीजिए, और ब्रीविटी उसी का नाउन है, संक्षिप्तता, संक्षिप्तता। समझ आई बात? तो BRE जहां भी आएगा इसका मतलब संक्षिप्त से ही रिलेटेड होगा, तो ब्रीविटी नाउन है, तो ब्रीविटी मतलब संक्षिप्तता। देखिए बमबास्ट, चार पांच छह वर्ड ऐसे हैं जिनको आप हिंदी मीनिंग ना याद करिए, डायरेक्ट उनके साथ जो कोलोकेशन वर्ड आते हैं, कंपाउंड वर्ड आते हैं, कंप्लीट तैयार करिए ताकि क्लोज टेस्ट और पैसेज में भी आपको मदद मिले। अच्छा, पूजा जी हैं, अजीत जी हैं, हाँ अजीत त्यागी, प्रैक्टिस बैच अनाउंस हो चुका है, 11 तारीख से चलने वाला है, मॉर्निंग में 6 बजे, 6 से 7:30। तो प्रैक्टिस बैच में तो सर एडमिशन भी फुल हो चुका है भाई, आप कहाँ हैं? चलिए, बम्बास्टिक को ऐसे रिलेट कर रही है, बम्बास्टिक स्पीच, बम्बास्टिक स्पीच, इसको एक साथ तैयार करिएगा ताकि फिलर और क्लोजेस्ट दोनों तैयार हो। बम्बास्टिक स्पीच वो स्पीच होती है जिसमें शब्दों का भंडार किया जाता है, शब्द बाहुल्य स्पीच को, शब्द बाहुल्य भाषण को बम्बास्टिक स्पीच बोला जाता है। तो हिंदी में लिखना हो तो ऐसा भाषण जिसमें शब्दों का उपयोग बहुत ज्यादा किया गया हो। तो इसको याद अलग से ना करिए, बम से रिलेट करा सकते हैं लेकिन याद ना करिए, इसको डायरेक्ट ऐसे याद करिए, बम्बास्टिक स्पीच, ऐसी स्पीच जिसमें शब्दों का यूज बहुत ज्यादा किया गया हो। ऐसे और वर्ड हैं जैसे बोगस न्यूज याद करिए, बोगस मतलब नकली होता है, बोगस मतलब नकली, कहते नहीं बहुत बोकस बातें आप करते हैं, यानी नकली बातें करते हैं, एपोक्राइफल बातें करते हैं, तो ये न्यूज वगैरह के लिए लगता है जब नकली न्यूज दिखाई जाती है, तो बोगस न्यूज मतलब नकली न्यूज। तो डायरेक्ट इसको ऐसे याद ही करिए, बोगस न्यूज यानी नकली न्यूज। बिनाइन ट्यूमर वगैरह के लिए लगता है, बिनाइन ट्यूमर, जब किसी की बॉडी में, ब्रेन वगैरह में ट्यूमर होता है लेकिन उस ट्यूमर से कुछ हानि नहीं है, बस वो बॉडी में आ गया है, बस हो गया, तो बिनाइन ट्यूमर बोलते हैं। कोई ऐसी हानिकारक चीज जिसके होने के बावजूद भी कोई हानि ना पहुंचे उसे बिनाइन बोलते हैं, और खासकर ट्यूमर वगैरह के लिए लगता है। तो बिनाइन ट्यूमर डायरेक्ट याद करिए इसको। बोनाफाइड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बोनाफाइड डॉक्यूमेंट्स, जब आपका सिलेक्शन वगैरह हो जाएगा तो वहां पे एक लेटर आएगा और कहा जाएगा बोनाफाइड डॉक्यूमेंट्स लाइएगा, फर्जी का मत लाइएगा। तो बोनाफाइड डॉक्यूमेंट्स मतलब ओरिजिनल या वास्तविक डॉक्यूमेंट, वास्तविक डॉक्यूमेंट्स, वास्तविक। अच्छा, चारों वर्ड को थोड़ा याद अच्छे से करिएगा, बम्बास्टिक स्पीच, बोगस न्यूज, बिनाइन ट्यूमर, बोनाफाइड डॉक्यूमेंट्स, और ऐसे ही ब्लंट नाइफ होता है, नाइफ, नाइफ मतलब चाकू, ऐसा चाकू है जिससे जिससे प्याज तो छोड़िए कुछ भी ना कटे, एकदम उसका धार एकदम खत्म हो गई है। अगर धार चाकू की बहुत ज्यादा होती है तो शार्प नाइफ बोलते हैं, पैना चाकू, लेकिन अगर उसकी धार खत्म हो गई है तो उसी को ब्लंट नाइफ बोलते हैं। तो ये भी ऐसे याद करिए, ब्लंट नाइफ, ऐसा चाकू जिसकी धार खत्म हो गई है, और आपके कमरे में जो चाकू होगा उसको चेक किया करिए। तो ब्लंट नाइफ यानी धारहीन चाकू, तो ब्लंट का मतलब धारहीन होता है, और व्यक्ति के लिए यूज करेंगे तो ऐसा आदमी जो एकदम लिल हो, जो पढ़ने लिखने में एकदम स्लो हो। चाकू वाकू के लिए यूज करेंगे तो ऐसा चाकू जो धारहीन हो। तो ये पांचों वर्ड, बम्बास्टिक स्पीच, बोगस न्यूज, बिनाइन ट्यूमर, बोनाफाइड डॉक्यूमेंट और ब्लंट नाइफ। बम्बास्टिक का मतलब शब्द जिसमें बहुत ज्यादा यूज किए गए हों,
बोगस का मतलब नकली, बिनाइन का मतलब जो अहानिकारक हो, बोनाफाइड मतलब वास्तविक, और ब्लंट मतलब इंसान के सेंस में बेकार टाइप का, लुल्ल टाइप का इंसान, और चाकू वगैरह के सेंस में धारी। ठीक है, अगला देखिए वेवर, वेवर वेवर ऑफ लिखा नहीं रहता, वेवर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान रहे, तो वेवर का मतलब सतर्क या सावधान, सतर्क या सावधान, हर जगह लिखा रहता है वेवर ऑफ डॉग्स, सावधान, और वेवर के साथ प्रीपोजिशन ऑफ आती है। ठीक है, अगला है ब्रांडिस, ब्रांडिस और बिलाई, और बार संख्या फिर कम हो रही है का, ओ माय गॉड, अब बहुत कम बचा, थोड़ा सा 20 मिनट और रुके रहिए आप लोग ताकि डिटेल में पढ़ लिया जाए। चलिए अच्छा, कमेंट अच्छा पढ़ रहे हैं, कमेंट जब नहीं पढ़ते तो आप लोग गायब होने लगते हो। चलो अच्छा, एक बार और कमेंट आपके पढ़ लेते हैं, फिर एक झटके में खत्म करते हैं। राजकुमार जी, गोविंद जी, अजीत जी, सचित जी, लीलावती जी, विकास जी, सौरभ जी, जल्दी जल्दी सारे बच्चे कमेंट करिए, सब बच्चे कमेंट करिए जल्दी जल्दी, मैं देख रहा हूँ। अच्छा, सारे बच्चे, सारे लोग, सारे लोग कमेंट करिए, मैं देख रहा हूं भाई, सब लोग कर ही नहीं रहे हैं। चलिए करिए, अच्छा ठीक, सिकंदर जी, विपिन जी, सचित जी, पीहू जी, चलिए आए देखते हैं। ब्रांडिस का मतलब क्या है, धमकी देना, धमकी देना। बिलाई का मतलब क्या है, दोषारोपण करना, कमेंट कर, हाँ करते रहे करते रहे, दोषारोपण करना। मार्जिन का मतलब होता है फलना फूलना। अच्छा चलिए, हम जल्दी जल्दी कराते भी हैं और आपका कमेंट भी देखते हैं। फलना फूलना, आगे बढ़ना, तरक्की करना, याद कैसे करेंगे ब्रांडिस को, ब्रांड, ब्रांड जो जो ब्रांड, जो ब्रांड अम्बेसडर होते हैं वो अक्सर लोगों को ब्रांडिस करते हैं, धमकी देते हैं। जो ब्रांड क्या बोलते हैं, ब्रांड अम्बेसडर जो होते हैं वो लोगों को ब्रांडिस करते हैं, ना धमकी देते हैं, या जो ब्रांड की चीजें पहनते हैं वो नॉर्मल लोगों को ब्रांडिस करते हैं, धमकी देते हैं। बिलाई का मतलब दोषारोपण करना, किसी पे लांछन लगाना। तो लाई का मतलब होता है झूठ बोलना, आप हमसे लाई कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ऐसा हमने आप पे बिलाई किया, दोषारोपण किया। गार्जियन मतलब फलना फूलना, तरक्की करना होता है, तो गार्जियन, गार्जियन की छत्र छाया में हम लोग बार्जियन करते हैं, गार्जियन की ही देख रेख में हम लोग बार्जियन करते हैं, फलते फूलते हैं, आगे बढ़ते हैं, गार्जियन बार्जियन। नेक्स्ट वर्ड है आपका बेसमिर्च, ब्रॉड, ब्रूक और ब्रिस्क। देखिए बिस्मिर्च का मतलब कलंक लगाना या दोष लगाना, कलंक लगाना, कलंकित करना या कलंक लगाना, या दूषित करना किसी के रेपुटेशन वगैरह को, दूषित करना। तो किसी के यहाँ गए, दो तीन बार आए प्रयागराज में, जब जब आए तब तब आदमी वो शिमला मिर्च की ही सब्जी बनाया, और आप गांव गए तो उसका भंडा सराद कर दिए, किस आदमी को शिमला मिर्च की सब्जी के अलावा कुछ नहीं आता, जबकि वो आदमी पनीर भी बढ़िया बना सकता है। तो आपने क्या कहा, बस ये मिर्च की सब्जी इसको बनाना आता है, बस जो सबसे सस्ती है, तो बस मिर्च की सब्जी ये खाता है, तो बस मिर्च की ही सब्जी इसको बनाना आता है, ऐसा आपने दोस्तों के सामने अपने दोस्त की बेसमिर्च कर दी, कलंकित कर दी, निंदा, ये कलंकित कर दिया, कलंक लगा दिया, दूषित कर दिया उनकी रेपुटेशन को, कि बस ये मिर्च की सब्जी खाता है बस। ब्रॉड मतलब होता है विचार करना, विचार करना। आप सबको पता है योगी जी रोड को ब्रॉड करने के बारे में, ब्रूड कर, ब्रॉड मतलब चौड़ा, योगी जी रोडों को ब्रॉड करने के लिए ब्रूड कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, और ब्रुक मतलब सहना या बर्दाश्त करना, बियर करना, सहना या बर्दाश्त करना। तो ब्रुक को रिलेट कर लो बुक, बुक, आप बुक लेके क्लास में नहीं आते फिर भी मैं आपको ब्रुक करता हूँ, बर्दाश्त करता हूँ, भगाता नहीं हूँ। आप क्लास में अगर बुक लेके मेरी नहीं आते फिर भी मैं आपको ब्रुक करता हूँ, सहता हूँ, बर्दाश्त करता हूँ। तो ब्रुक, ब्रॉड मतलब होता है विचार करना, तो रोडों को ब्रॉड करने के बारे में योगी जी ब्रूड कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, जबकि ब्रुक का मतलब सहना होता है,
बार बार आप मेरी टिकट बुक कर देते हैं, मेरे मना करने के बाद भी, फिर भी मैं आपको बुक करता हूं, बर्दाश्त करता हूं। बार बार बिना पूछे मेरे से आप बुक लेके चले जाते हैं, फिर भी मैं आपको बुक करता हूं, बर्दाश्त करता हूं। आप मेरी क्लास में बुक लेके मेरी नहीं आते, फिर भी मैं आपको बुक करता हूँ, बर्दाश्त करता हूँ, सहता हूं। अगला है ब्रिस्क। ब्रिस्क मतलब होता है तेज। कहते नहीं बच्चा बड़ा तेज है, बड़ा फुर्तीला है। तो जहां पे रिस्क दिखेगा ना, जहां पर आपको लगेगा यहाँ रिस्क है, खतरा है, तो पैर की गति ऑलरेडी तेज ही हो जाएगी। तो रिस्क देख के कई बार आप ब्रिस्क हो जाते हो, तेज से चलने लगते हो। अगला है बेअरप्ट, बस्टल, बैसफुल, बैबल। बेअरप्ट मतलब होता है वंचित। मान लीजिए क्लास में मिठाई बटी और आप उस दिन नहीं आए, तो मिठाई से आप वंचित हो गए। तो बेयर मतलब बिना हो गई करता है, बेयर मतलब बिना, तो किसी चीज के बिना आप हो गए, इसी से तो बेयरली बनता है। तो बेयर मतलब होता है के बिना, तो किसी चीज के बिना आप रह गए, यानी बेयर अप्ट हो गए, वंचित हो गए। या ऐसे भी रिलेट कर लो, बी लेफ्ट, कुछ चीज आपका छूट गया तो आप उस चीज के बेयर बी लेफ्ट हो गए, यानी बेयर लेफ्ट हो गए। बस्टल मतलब हंगामा या शोर शराबा होता है, हंगामा या शोर शराबा। याद कैसे करेंगे? बस्टल, 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 बस्टल गई आपके गांव वाली, बस्टल गई। अब बस आपके गांव नहीं जाएगी, तो जितने यात्री थे सब हंगामा करने लगे, क्योंकि तो दूसरी बस नहीं थी, तो बस का जाना टल गया, तो लोग बस्टल करने लगे बस स्टैंड पे, हंगामा। अगला है बैसफुल, शर्मीला, शर्मीला, शर्मीला। तो बैसफुल को रिलेट कर लो, बैसफुल को रिलेट कर लो बास से। अगर आपने किसी को कहा कि आपका मुंह बास कर रहा है, तो बैसफुल बन जाएगा, शर्मीला बन जाएगा, शर्मा जाएगा। अगला है बैबल। बैबल मतलब बच्चा होता, बड़ बड़ करना, यानी बक बक करना, बक बक करना, यानी नॉनसेंस टाइप की बातें करना, लॉजिकल नहीं। तो बब 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 ऐसे करते रहना, यानी बैबल करते रहना। या बबली नाम की कोई लड़की है, और बबली नाम की लड़की बैबल करती है, बक बक करती रहती है। अगला है बच्चा बॉन्डेज। बॉन्डेज का मतलब होता है गुलामी, गुलामी। मधुआ बंधुआ मजदूर सुने हो, गुलामी, स्लेवरी। तो बांड, बांड मतलब अनुबंध। तो आपको बांड में रखा गया है, यानी आपको बॉन्डेज बना लिया गया है, गुलामी आपसे कराई जा रही है। तो किसी को अगर कोई बांड पे रखेगा, तो उससे उसको बांडेज कर लेगा, बंधुआ मजदूर बना लेगा। तो बांडेज मतलब गुलामी। तो किसी के ऊपर बांड लगा के उसे बांडेज बना देना, यानी गुलामी करवाना। बीम्यूज्ड का मतलब होता है कन्फ्यूज्ड, कन्फ्यूज्ड यानी भ्रमित, भ्रमित, भ्रमित। अच्छा, दोनों एक जैसा मिल रहा है, बीम्यूज्ड, कन्फ्यूज्ड, कन्फ्यूज्ड, बीम्यूज्ड। कन्फ्यूज्ड आप सुने ही हैं, बीम्यूज्ड हम बता रहे हैं। तो कन्फ्यूज्ड, बीम्यूज्ड, बीम्यूज्ड, कन्फ्यूज्ड। अगला है बीसीच, विनती करना, अनुरोध करना। कल आपको पढ़ाए होंगे अपील, इसी का वर्ड, विनती करना, विनती करना या अनुरोध करना, विनती करना या अनुरोध करना, विनती करना या अनुरोध करना। याद कैसे करोगे? भाई इस साल बारिश नहीं हुई, हमारो खेतवा सींच दो, सींच दो यार, सींच दो, सींच दो। तो खेत सींचने के लिए मैं अपने पड़ोसी से भी सींच कर रहा हूँ, विनती कर रहा, अनुरोध कर रहा हूँ कि मेरा खेतवा भी सींच दो, यानी बीसीच कर दो, सींच दो, ऐसा मैं उनसे बीसीच कर रहा हूँ, अनुरोध कर रहा हूँ। अगला है बीसीच। बीसीच मतलब, इसका मतलब होता है घेरा डालना। बिल्डिंग के चारों तरफ पुलिस ने घेर लिया, यानी घेरा डालना। तो ये घेरा डालना, ये बीसीज है। तो घर को सीज कर दिया गया, बिल्डिंग को सीज कर दिया गया, यानी बीसीज कर दिया गया, घेरा डाल दिया गया। तो बीसीज होता है विनती करना, खेत सींच दो, ऐसा आप बीसीज कर रहे हो, विनती कर रहे हो। जबकि बीसीज का मतलब होता है घेरा डालना, घर को सीज कर दिया गया, पुलिस चारों तरफ बीसीज कर ली, घेरा डाल। लास्ट चार वर्ड बचे हैं, बाईगार्ड। बाईगार्ड मतलब फैनाटिक, कट्टर, कट्टर। कट्टर का मतलब एक ऐसा आदमी जो अपने धर्म या जात के लिए किसी की जान ले ले या जान दे दे, उसे बाईगार्ड बोलते हैं। तो आप क्या बोलेंगे? ओ बाईगार्ड, ओ माई गार्ड, ओ माई गार्ड, ये तो बाईगार्ड निकला, ओ माई गार्ड, ये आदमी तो बाईगार्ड निकला, कट्टर निकला। अगला है बेबी। बेबी का मतलब होता है, एक तो लड़कियों का समूह होता है, ग्रुप ऑफ गर्ल्स, लड़कियों का, लड़कियों का समूह। और दूसरा होता है बेबी का मतलब सेना की टुकड़ी। इसीलिए अक्षय कुमार की एक मूवी आई थी बेबी, सेना की टुकड़ी, 15-20 लोगों का समूह। तो जब बेबी मूवी आई थी अक्षय कुमार में,
अक्षय कुमार की, तो उसमें यही वाली मीनिंग थी, सेना की टुकड़ी वाली, 15-16 ठो मिल के काम करते हैं। तो बेबी का दो मतलब होता है, ग्रुप ऑफ गर्ल्स भी होता है एंड ग्रुप ऑफ सोल्जर्स भी होता है। तो बेबी मूवी अक्षय कुमार की बेबी थी, सेना की टुकड़ी। अगला है बी फडल। बी फडल का मतलब होता है पूरी तरीके से कंफ्यूज, भ्रमित, कहते नहीं एकदम मैं उलझन में आ गया, भ्रमित भ्रमित भ्रमित, कंफ्यूज या उलझन में, उलझन। तो मैं कभी कभी सोचता हूं कि ये उड़ल, ये आदमी उड़ल, शक्तिमान मैं देखता था तो बचपन में सोचता था शक्तिमान उड़ल, न पंख है न कुछ है न एरोप्लेन है, फिर भी शक्तिमान उड़ल, शक्तिमान कैसे उड़ल, इस चीज को लेके मैं भी फड़ल रहता था, कंफ्यूज रहता था, यानी भ्रमित रहता। अगला है बिक्विस्ट। बिक्विस्ट मतलब वसीयत, वसीयत, जैसे मम्मी पापा के पास जो जमीन है वो सब आपकी होगी, तो उसी को बिक्वेस्ट बोलते हैं। तो कई बार अपनी बिक्वेस्ट पाने के लिए घर वालों से हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि बाद में तो हमारी हो ही जाएगी, हमें अभी दे दीजिए। तो रिक्वेस्ट क्या पाने के लिए किया जाता है, बिक्वेस्ट वसीयत। रिक्वेस्ट किस चीज के लिए किया जाता है, बिक्वेस्ट वसीयत, ठीक है। अब रहा ये आपके सामने क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, देखिए 100 वर्ड हमने बी का भी करा दिया, पार्ट फर्स्ट बी का हो गया, कल 100 वर्ड हमने ए का भी कराया था, फिर कुछ प्रैक्टिस कराई थी, आज बी का करा के कुछ प्रैक्टिस करा देते हैं, कल की क्लास सी पे होगी, 100 वर्ड कराएंगे प्लस प्रैक्टिस कराएंगे। तो कंटिन्यू डेली 10 PM पे आप लोग रहा करिए, 10 से 11:30, ठीक है। दिन भर ऑफलाइन क्लासेस के बाद ऑनलाइन हम समय निकालने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसलिए मन लगा के इसमें पढ़िए, रेगुलर बेसिस पे रहिए, ठीक है। चलिए आंसर करिए कि बारबेरस का इन चार में से सिनोनिम क्या होगा, बेलिकोज का इन चार में से सिनोनिम क्या होगा, और बायस का ये जो 4 अल्टरनेटिव्स दिया गया है इन चार में से क्या होगा। चलिए पहला, दूसरा और तीसरा सारे लोग आंसर करिए। सिनोनिम यानी सिमिलर वर्ड, समानार्थी वर्ड बताना है। मैं आपके कमेंट देख रहा हूँ कितने लोगों का सही हुआ। ये सारे वर्ड हम बारबेरस भी पढ़ा चुके हैं, बेलिकोस भी पढ़ा चुके हैं और बायस भी पढ़ा चुके हैं। चलिए कमेंट करके सारे बच्चे बताइए, सारे लोग, और वीडियो को जाते जाते शेयर और लाइक जरूर कर दीजिए सब लोग। मैजिशियन वीडियो, विकास जी, संचित जी, कलुआ जी, खुशबू जी, शिखा जी, दर्शन जी, अभिषेक जी, नीतू जी, खुशबू जी, ये सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं। मिस्टर राज, पंकज जी, विजाड़ा मैथ, रंजीश सर, लर्नर, स्वाति, दीपक, प्रेम प्रकाश, मोहम्मद अर्श, डियर डेली रहा करी, रुचि जी का आंसर आ चुका है, प्रेम प्रकाश जी आंसर कर चुके हैं, पूजा जी का आंसर आ चुका है, इन सारे बच्चों के आंसर आ चुके हैं। आइए देखते हैं कितने लोगों का सही हुआ, कितने लोगों का इसमें से सही हुआ, आइए देख लेते हैं। और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करना जाते जाते, ठीक है भाई। आइए, बार वायरस मतलब पढ़ाए थे असभ्य होता है, असभ्य, जो बार बार गाली दो बच्चा असभ्य है। सिविलाइज मतलब तो सभ्य होता है, सभ्य। कल्चर मतलब भी होता है सांस्कृतिक यानी सभ्य। एजुकेटेड मतलब शिक्षित होता है, शिक्षित। सिविलाइज्ड मतलब सभ्य होता है, सिविल लाइन में रहने वाले लोग सिविलाइज्ड होते हैं। अनसिविलाइज्ड मतलब असभ्य होता है, तो असभ्य। पूछा क्या था, ओ बारबेरस का सिनोनिम पूछा था, तो कल्चर इसमें तो एंटोनिम दिया है, क्लियर। देखो ऐसे समझो, बारबेरस मतलब, हाँ ठीक तो है, बारबेरस मतलब असभ्य होता है और अनसिविलाइज मतलब भी असभ्य, तो ये सी आंसर हुआ। अगला है बेलिकोज। बिल्ली क्या होती है, लड़ाकू या झगड़ालू। कम बेटू मतलब भी होता है लड़ाकू झगड़ालू, कम बात करिए नहीं तो झगड़ा हो जाएगा, तो कम बैट, सी में कल इसको पढ़ाएंगे, कम बैट झगड़ा, उसी का एडजेक्टिव कम बेटू, तो यही ए आंसर लगेगा। काम मतलब शांत होता है, पीस मतलब शांति होती है, पैसिफिक मतलब भी शांत होता है, पैसिफिक ओशियन, पी लेटर में पढ़ाए थे, पीस को भी पी लेटर में पढ़ाए हैं। जो लेटर मैंने कंप्लीट कर दिया ना, उससे बाहर कुछ जाएगा नहीं, और अभी तक 3 लेटर मैंने कंप्लीट किया, ए से 100, बी से 100, अभी इनमें 100-100 और कराना है, और सी से तो कंप्लीट 200 मैंने करा दिया है। अगला है बायस। बायस मतलब पक्षपात करना, तो प्रिजुडाइस होता है पक्षपात करना, ये भी पी में पढ़ाया था,
पहले का जो जज था वो प्रेजुडाइज करता था, पक्षपात, यही ए आंसर लगेगा। इम्पार्शियलिटी, पक्षपात ना करना, फेयरनेस ईमानदारी दिखाना, अनबायसनेस पक्षपात ना करना। है बोल्ड, बोल्ड के चार अल्टरनेटिव्स दिए गए हैं, कावर्डली, अफ्रेड, टिमिड और ब्रेव। आपको बताना है इन चार में से कौन सिनोनिम होगा। फिर सेकंड ऑफ वर्ड है ब्लिस और थर्ड है बेलिसरेंट। ये तीनों वर्ड आपके सामने हैं, बोल्ड, ब्लिस और बेलिसरेंट। इनके चार चार अल्टरनेटिव्स भी हैं आपके सामने। आप जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि पहले का, दूसरे का और तीसरे का आंसर क्या होगा। बिल्कुल सारे लोग, प्रीति जी, सर्वेश जी, अभिटो जी, आरजू जी, नेहा जी, कृष्णा जी, आकाश जी, पूजा जी, सारे बच्चों को वंस अगेन वेरी गुड इवनिंग। चलिए सारे बच्चे आंसर करें जल्दी जल्दी। हाँ सारे लोग आंसर करना मस्ट है बच्चा, सबको आंसर करना है, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी आंसर करिए, फिर मैं एक्सप्लेन करूँ, इलेबोरेट करूँ, चीजों को डिलिनेट करूँ। चलिए ओके, काफी बच्चों के आंसर आ चुके हैं, आइए देखते हैं कितने लोगों का सही हुआ। देखिए बोल्ड का मतलब होता है करेजियस, बोले तो बहादुर या साहसी, बहादुर या साहसी। हम आपको बताए थे जो बॉलर बोल के आपको बोल्ड मार दे वो बॉलर बड़ा बोल्ड है, बहादुर। जो बॉलर किसी बैटर को बोले कि इस गेंद में बोल्ड कर देंगे और सच में बोल्ड कर दे वो बॉलर बहुत बोल्ड है, बहादुर, ठीक है। या दूसरा तरीका बताए थे, घर में जो ओल्ड लोग रहते हैं, ओल्ड लोग बहुत बोल्ड होते हैं, बहादुर होते हैं। तो बोल्ड मतलब बहादुर या साहसी। कावर्डली का मतलब कायर या डरपोक होता है, जो अपना सिलेबस टाइम से कवर ना करे वो बच्चा कावर्डली है, यानी कायर है, डरपोक है। फिर है अफ्रेड, अफ्रेड का मतलब भी होता है डरपोक, जो रेड से कि उसके घर में रेड ना पड़ जाए, रेड वालों से अफ्रेड करे, डरे, वो अफ्रेड डरपोक है। टिमिड, जो अपना काम मिड बीच में ही छोड़ के भाग जाए अधूरा, वो टिमिड है, कायर, डरपोक। यानी टिमिड, कावर्डली और अफ्रेड ये तीनों आपस में सिनोनिम है, तीनों का मतलब है डरपोक या कायर। और ब्रेव का मतलब होता है बहादुर या साहसी, और बोल्ड का भी मतलब यही था, तो बोल्ड का एग्जैक्ट सिनोनिम हुआ ब्रेव। यानी बोल्ड और ब्रेव मतलब बहादुर या साहसी, और कावर्डली, अफ्रेड और टिमिड मतलब कायर या डरपोक। ये सारे पांचों वर्ड आपके पेपर में बहुत दफा पूछेंगे, ठीक है। सारे बच्चे कमेंट करते रहेंगे, सारे बच्चे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक कर देंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस जुड़ी रहे, ताकि मोटिवेशन मुझे भी मिलता रहे। नेक्स्ट वर्ड है आपका ब्लिस। ब्लिस का मतलब होता है हैप्पीनेस, खुशी होता है ना, हिंदी में खुशी या प्रसन्नता। याद कैसे करेंगे ब्लिस को, ब्लेस से। जब आप किसी से आशीर्वाद लेते हैं, किसी का पैर छूते हैं, तो बोलते हैं ना आपके बड़े लोग, जो बुजुर्ग लोग हैं या टीचर्स लोग, कि गॉड ब्लेस यू। तो जब कोई आपको ब्लेस करता है तो आपको ब्लिस मिलती है, खुशी मिलती है। जब कोई अपनी ब्लेसिंग आपको देता है, जब कोई आपको ब्लेस करता है तो आपको ब्लिस मिलती है, इट मीन्स खुशी मिलती है। तो ब्लिस मतलब होता है खुशी। डिजेक्टेड का मतलब निराश या उदास होता है, निराश या उदास। जब आपका प्रपोजल हो जाता है रिजेक्टेड तो आप हो जाते हो डिजेक्टेड, निराश। सारो का मतलब दुखी या निराश ही होता है, एक तरीके से दुख टाइप का। पारो पूरी तरह से सारो हो गई थी, दुखी या दुख हो गया था उसको। स्टेसी खुशी होता है, ऐसी की तैसी करने में दूसरों को बड़ी स्टेसी खुशी मिलती है, तो यही सी इसका आंसर लगेगा। मंडेन का मतलब भी होता है नीरस या उबाऊ, या एक मतलब उदास या दुखी भी होता। फिर है बेलिसरेंट। बेलिसरेंट मतलब लड़ाकू या झगड़ालू होता है, लड़ाकू या झगड़ालू, लड़ाकू या झगड़ालू। बताए थे BELLI, बिल्ली। बिल्ली जो होती है हमेशा लड़ती रहती है, तो बिल्ली क्या होती है, बेलिकोस या बेलिसरेंट, यानी कंटेंट के रस या कम्बेटिव टाइप की, लड़ाकू झगड़ालू। फ्रेंड का नेचर बड़ा फ्रेंडली होता है, तो फ्रेंडली मतलब मित्रवत होता है। पीसेबल का मतलब शांतिवादी, जो शांति वगैरह का सपोर्ट करता हो, शांत रहता हो, तो फ्रेंडली या पीसफुल मतलब, फ्रेंडली मतलब मित्रवत, पीसफुल मतलब शांतिवादी, काइंड मतलब दयालु, और कंटेंट के रस लड़ाकू, तो टैंकर वाले कंटेंट के रस लड़ाकू झगड़ालू होते हैं, तो बेलिजरेंट का सिनोनिम वही कंटेंट के रस हुआ। आई होप ये तीनों क्वेश्चन आपके सही हुए होंगे। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं, सारे बच्चे कमेंट करिए। अब नेक्स्ट है आपका 4 नंबर बेलिकोस, इसका आंसर करना है। 5 नंबर में बायस, इसका आंसर करना है। और 6 नंबर में बेनिवोलेंट, इसका आंसर करना है। चलिए सारे बच्चे जल्दी जल्दी इन तीनों का आंसर करें, 4, 5, 6 का आंसर करें। देवा जी,
चलिए सारे बच्चे, सारे बच्चे कमेंट करें। ओ अनुच्छेद, हाँ ये तो भूल ही गया मेरे को। ओ माय गॉड, चलिए कल करा देंगे। आकाश जी, जो जी, देवा जी, सर्वेश जी, सारे बच्चों के आंसर आ रहे हैं। ठीक है, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि ज्यादातर बच्चे जुड़ सके। बेलिकोस मतलब भी होता है लड़ाकू या झगड़ालू, लड़ाकू या झगड़ालू। BELLI अभी पढ़ाए थे ना, बिल्ली, बिल्ली कहाँ होती है, बेलिकोज या बेलीजेरेंट, लड़ाकू या झगड़ालू। कम्बेटू मतलब भी होता है झगड़ालू या लड़ाकू, तो यही इसका आंसर होगा। फिर काम मतलब शांत होता है, काम डाउन, इसी से फ्रेजल वर्ब बनती है। पीसफुल मतलब भी शांत होता है, और पैसिफिक मतलब भी शांत होता है, पैसिफिक ओशियन आपने सुना होगा। नेक्स्ट है बायस, बायस मतलब होता है पक्षपात, पक्षपात, तो कंपनी का जो बॉस होता है वो पक्षपात करता है, तो पक्षपात होता है, बॉस से रिलेट कर लेंगे, बॉस क्या करता है, बॉस पक्षपात। प्रिजुडाइस मतलब भी होता है पक्षपात, डाइस पासे में जो शकुनी मामा थे, प्रिजुडाइस करते थे, पक्षपात करते थे, तो यही इसका आंसर हो। अन इम्पार्शियलिटी मतलब पक्षपात जहां ना हो, फेयरनेस ईमानदारी पूर्ण पक्षपात ना हो, जहां अनबायसनेस जहां पे पक्षपात ना हो। बेनिवोलेंट का मतलब दयालु या परोपकारी होता है, दयालु या परोपकारी, तो बेनी जो दूसरों को बेनिफिट पहुंचाए वो आदमी बहुत बेनिवोलेंट है, दयालु है, परोपकारी है। ग्रीडी मतलब लालची होता है, रैपसियस मतलब भी लालची होता है, एवारिसियस मतलब भी लालची होता है, और अल्ट्रुइस्टिक जो अल्ट्रू बोलने वाले लोग अल्ट्रुइस्टिक होते हैं, परोपकारी, तो यही इसका डी आंसर होगा। तो 4 का कम्बेटिव, 5 का प्रिजुडाइस एंड 6 का अल्ट्रुइस्टिक। ओके चलिए, 7 नंबर है बाइफरकेट, 8 नंबर है बैरिकेड, और 9 नंबर है बॉस्टेरस। इसका आंसर आप लोग कर पहले कर लीजिए, फिर हम कराएं। ओके आंसर सब लोग जरूर करिए। चलिए, बाइफरकेट का मतलब दो भागों में बांटना, विभाजित करना, बाइसेक्ट करना, दो भागों में किसी चीज को बांटना, दो भागों में बांटना, दो भागों में बांटना। याद कैसे करेंगे, बाई मतलब दो होता ही है, बाई मतलब दो, तो किसी चीज को बाई कर देना यानी दो भागों में बांट देना, बाइसेक्ट कर देना, तो यही इसका आंसर होगा। फिर क्या है, कनेक्ट मतलब कहीं से जोड़ना, ऐड मतलब भी जोड़ना, और अटैच मतलब भी जोड़ना। बैरिकेड मतलब होता है बाधा डालना, बैरिकेड का क्या मतलब होता है, एक तरीके से नाउन बनाएंगे तो बैरिकेड बाधा, बैरियर लगा के बैरिकेड किया जाता है, बाधा डाली जाती है, अवरोध। ऑब्स्टेकल मतलब भी बाधा या अवरोध, तो यही इसका आंसर होगा। एडवांटेज मतलब लाभ होता है, बेनिफिट मतलब भी लाभ होता है, असिस्टेंस मतलब सहायता या लाभ ही होता है। बोस्टेरस शोर शराबा होता है, तो बॉयज हॉस्टल के बच्चे बोस्टेरस माहौल क्रिएट कर देते हैं, शोरगुल भरा या शोर शराबा। काम मतलब शांत, एस्यूज मतलब भी शांत होता है, ट्रैंक्विल मतलब भी शांत होता है, और क्लैमरस शोरगुल भरा होता है, तो यही इसका आंसर लगेगा। नेक्स्ट पे अगर हम लोग चलें तो 10 नंबर वर्ड है ब्लंडर, 11 नंबर वर्ड है बैंकक्रप्ट, एंड 12 नंबर वर्ड है बारबेरस। आंसर की अगर बात करें तो ब्लंडर मतलब अभी मिस्टेक होती है, बहुत बड़ी गलती, किसी के घर के अंदर बिना पूछे आना, ये ब्लंडर है, बहुत बड़ी गलती है, तो मिस्टेक इसका आंसर हो जाएगा। एक्यूरेसी सटीकता होती है, करेक्टनेस सही या सटीकता ही होती है, एग्जैक्टनेस एक्यूरेसी यानी सटीकता ही होती है। बैंकक्रप्ट दिवालिया या गरीब होता है, बैंक वालों ने करप्ट लोगों को बैंकक्रप्ट दिवालिया बना दिया, कंगाल कर दिया, दिवालिया या कंगाल। रिच अमीर होता है, इनसॉल्वेंट मतलब भी होता है दिवालिया या कंगाल, तो यही लगेगा, और सॉल्वेंट अमीर होता है, वेल्दी धनी या अमीर होता है। बार बार जो बच्चा गाली दो, बच्चा बार बैरस है, तो बार बैरस मतलब असभ्य या अनसिविलाइज्ड होता है, तो अनसिविलाइज्ड मतलब तो सभ्य होता है, कल्चर मतलब होता है सभ्य टाइप का, जिसके पास कल्चर उल्चर का नॉलेज है या कल्चर वगैरह संस्कृत सभ्यता रखता है, एजुकेटेड शिक्षित है, अनसिविलाइज्ड जो असभ्य है, तो यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका 13 नंबर, बैक बाइटिंग, बैक बाइटिंग मतलब चुगली करना, बैक मतलब पीछे से, बाइट मतलब काटना, पीछे से काटना, इट मीन्स चुगली करना, तो बैक बाइटिंग चुगली करना। विस्परिंग का मतलब भी होता है फुसफुसाना कान में, यानी चुगली ही करना, तो यही होगा। फिर प्रेज प्रशंसा करना, एग्जाल्ट प्रशंसा करना,
एडमायर तारीफ या प्रशंसा करना। अगला है बार्जियन। बार्जियन मतलब फलना फूलना, गार्जियन की देखरेख में हम लोग बार्जियन करते हैं, फलते फूलते हैं, बड़े होते हैं। मशरूम मतलब भी होता है फलना फूलना, यही इसका आंसर लगेगा। डिमिनिश का मतलब कम होना, डिक्रीज मतलब भी कम होना, लिसन मतलब भी कम होना या कम करना। बिट्रे का मतलब चीट करना, धोखा देना। तो बताए थे बैटरी ने, मोबाइल की बैटरी ने हमें धोखा दिया, तो बिट्रे मतलब धोखा देना, धोखा देना। असिस्ट मतलब सहायता करना, सपोर्ट मतलब मदद करना, स्टैंड बाय मदद करना। मिल्क मतलब होता है धोखा देना, मिल्क वाले भैया ने मिल्क किया, धोखा किया, यही इसका आंसर लगेगा। अगला है बीमत। बीमत मतलब होता है बड़ा या विशाल शरीर में, विशाल का है, तो भीम क्या है, बीमत है, विशाल है, बड़े हैं ना। टाइनी मतलब छोटा होता है, बिटी मतलब भी छोटा होता है, लिटिल मतलब भी छोटा होता है, जायंट मतलब विशाल या बड़ा होता है। हॉलीवुड मूवीज देखते होंगे तो जायंट स्नेक आपने देखा होगा, विशाल सांप, तो यही इसका आंसर होगा। याद कैसे करेंगे, भीम की शरीर पांडवों में बहुत बीमत थी, विशाल थी, बड़ी थी। फिर है ब्लेमिश। ब्लेमिश का मतलब होता है गंदा करना या दूषित करना, किसी की रेपुटेशन पे ब्लेम लगाना यानी उसको ब्लेमिश करना। एडोन मतलब सजाना होता है, इम्बेलिश मतलब भी सजाना होता है, डेकोरेट मतलब भी सजाना होता है, और मैकुलेट मतलब गंदा करना होता है, तो यही इसका आंसर होगा। ब्रोबीट। ब्रोबीट का मतलब होता है किसी को डराना, धमकाना। ब्रो अभी मैं आपको बीट कर दूंगा, पीट दूंगा, ऐसा मैं ब्रोबीट कर रहा हूँ, डरा रहा हूँ। इनकरेज किसी को प्रोत्साहित करना, सपोर्ट किसी की मदद करना, रीअश्योर किसी को भरोसा दिलाना, और इंटीमिडेट किसी को डराना धमकाना, तो इंटीमिडेट ही इसका आंसर होगा। अगला है 19 नंबर बोरिस। बोरिस मतलब होता है असभ्य, जो बोरी फाड़ दे गेहूं चावल की, बच्चा बोरिश है, असभ्य है, या बुरे लोग बोरिश होते हैं, असभ्य होते हैं ना, या जो आपको अपनी बातों से बोर कर दे वो बोरिश है, असभ्य है। पोलाइट का मतलब होता है सभ्य, कार्टियस मतलब सभ्य या शालीन, सिविलाइज मतलब भी सभ्य या विनम्र, और इम्पोलाइट जो असभ्य हो, तो ये इसका आंसर होगा। ब्रेवरी मतलब होता है बहादुरी, ब्रेव होता है ना वर्ड, ब्रेव मतलब बहादुर, उसी का नाम ब्रेवरी होता है, बहादुरी। कावर्डाइज कायरता, टिमिडिटी एक तरीके से, देखो टिमिडिटी, टिमिडिटी मतलब भी कायरता। टिमोरस, टिमोरस तो कायर होता है, और बोल्डनेस बहादुरी, तो यही इसका आंसर होगा। अगला है बल्की। बल्की मतलब होता है भारी भरकम, तो आपकी दुल्हन की पालकी बहुत बल्की है, भारी, या पानी की बाल्टी बहुत बाल्टी बल्की है, मतलब भारी भरकम। हैवी, हैवी मतलब भी भारी, यही लगेगा। स्मॉल छोटा, बिटी छोटा, टाइनी छोटा। नेक्स्ट है 22 नंबर बेयरअप्ट। बेयरअप्ट मतलब होता है वंचित, किसी चीज के बिना, तो बेयरअप्ट, बी लेफ्ट, कुछ बचा ही नहीं, तो बेयरअप्ट वंचित, किसी चीज के बिना। डिप्राइव मतलब भी होता है वंचित, तो यही इसका आंसर होगा। फुल मतलब भरा हुआ, रिप्लीट मतलब भरा हुआ, और फिल मतलब भरा हुआ। बेनिशन का मतलब आशीर्वाद होता है, तो बेनी कपूर के सन को सारे बॉलीवुड के लोगों ने बेनिशन दिया, अपना अपना ब्लेसिंग दिया, आशीर्वाद दिया। ब्लेसिंग मतलब भी होता है आशीर्वाद, यही इसका आंसर होगा। अनैथिमा अभिशाप होता है, कर्स अभिशाप होता है, एक्सक्रेशन मतलब भी अभिशाप या बद्दुआ होती है। बॉक्सम मतलब होता है गोल मटोल, छोटी सी मोटी सी महिला, बॉक्सम उसे बोलते हैं। तो बोस्मी मतलब भी होता है एक ऐसी महिला जिनका पेट वगैरह काफी निकला है, छोटी है, उसे बोस्मी बोलते हैं, तो यही लगेगा आंसर। फ्लैट मतलब होता है एकदम सपाट यानी समतल। पेटाइट का मतलब भी होता है छोटी सी सुंदर, पेटाइट ऐसी महिला के लिए लगाते हैं, ठीक है, छोटी सी। स्मॉल मतलब भी छोटा, लेकिन इसमें बोस्मी ज्यादा अच्छा वर्ड है। अगला बिगेट। पेटाइट मतलब सुंदर भी होता है, इसलिए पेटाइट नहीं लगा था, लेकिन बोस्मी मतलब उदार, मतलब पेट जिनका निकला हो, काफी मोटी हो, उनसे में। और बॉक्सम एग्जैक्टली महिलाओं के लिए लगता है। बिगेट, बिगेट मतलब उत्पन्न करना या पैदा करना। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को बिगेट किया है, एक प्रोवर्ब्स बड़ी पॉपुलर है, वायलेंस बिगेट्स वायलेंस, हिंसा हिंसा को जन्म देती है। तो बिगेट मतलब उत्पन्न करना या पैदा करना। क्रिएट मतलब भी होता है कोई चीज उत्पन्न करना, यही इसका आंसर होगा। डिस्ट्रॉय नष्ट करना, इनहिलेट कोई चीज जड़ से नष्ट करना या समाप्त करना। एबोलिश मतलब कोई चीज समाप्त करना।
अगला है बैरन। बैरन मतलब होता है बंजर, जैसे जमीन उमीन इनफर्टाइल उसे बैरन बोलते हैं। तो कहीं भी जमीन में आग बारन तो जमीन बैरन बंजर हो गई, इनफर्टाइल भी बंजर होता है, यही आंसर लगेगा। फर्टाइल उपजाऊ होता है, प्रोडक्टिव उपजाऊ होता है, फिकंट उपजाऊ होता है। बैनिश का मतलब किसी को कहीं से निष्कासित कर देना। तो राम जी को अयोध्या से 14 वर्ष के लिए बैनिश कर दिया गया था, निष्कासित कर दिया गया था। एक्सपेल मतलब भी बाहर करना, निकालना, तो यही इसका आंसर होगा। अलाउ मतलब अनुमति देना, वेलकम मतलब स्वागत करना, परमिट मतलब अलाउ करना। अगला है ब्रिलिटल। ब्रिटल अच्छा, लोग आंसर करिए थोड़ा, चलिए ब्रिटल का आंसर करिए, फिर 29 विकर या वाइकर का, विकर का आंसर करिए, फिर 30 बेलफुल, यानी ब्रिटल, विकर और बेलफुल तीनों का आंसर करिए। जल्दी जल्दी आंसर करिए सारे बच्चे। आकाश जी, रचना जी, अब अवीटो जी, कानू जी, शिल्पा, गौतम जी, सारे बच्चे आंसर करें, सारे के सारे बच्चे आंसर करें जल्दी जल्दी, इमीडिएट, सारे लोग आंसर इमीडिएट करें। ओके ओके ओके। नेहा जी का आंसर आ चुका है, गंगवार जी का आंसर आ चुका है, अभीटो साहब का भी, अभीटो जी का भी आंसर आ चुका है, सारे बच्चों का आंसर आ चुका है। अनमोल जी का नमस्कार, खुश रहिए डियर। अंशु जी का भी आंसर आ चुका है। चलिए आइए देखते हैं कितने लोग, कलुआ डाकू भी अवेलेबल है भाई। ब्रिटल मतलब क्षण भंगुर यानी कमजोर, कोई चीज जो आसानी से टूट जाए, कमजोर, उसे ब्रिटल। तो ब्रिटल को ब्रेक से याद कर लीजिए, जो चीज आसानी से ब्रेक हो जाए वो ब्रिटल है, क्षण भंगुर। फ्रेजाइल का मतलब भी होता है क्षण भंगुर यानी कमजोर, तो यही इसका आंसर होगा। इलास्टिक का मतलब होता है लचीला, फ्लेक्सिबल मतलब लचीला, सपल मतलब लचीला, जो चीज लचीली होगी जल्दी से नहीं टूटेगी, तो इसीलिए ब्रिटल का फ्रेजाइल लगेगा। विकर मतलब झगड़ा करना, तो दो बाइकर आपस में विकर कर लिए, झगड़ा कर लिए। एग्री सहमत होना, एसिड सहमत होना, कंसीड भी सहमत होना, और रैंगल झगड़ा करना, तो यही रैंगल वर्ड आंसर होगा। बेलफुल होता है हानिकारक, तो बेल का फूल तोड़ना आपके लिए बेलफुल है, हानिकारक है, तो हार्मफुल भी हानिकारक होता है, यही आंसर होगा। इनोकुअस अहानिकारक, एडवांटेजियस लाभकारी, हार्मलेस जो नुकसान न करे। अगला है 31 बिजारे। बिजारे मतलब अजीब या विचित्र होता है, तो बाजार में आज आपने बाजार में आज हमने बिजारे बिजारे चीजें देखी यानी अजीब अजीब चीजें देखी। नॉर्मल मतलब सामान्य होता है, यूजुअल मतलब सामान्य होता है, ऑर्डिनरी मतलब सामान्य होता है, स्ट्रेंज मतलब अजीब या विचित्र होता है, तो यही इसका आंसर होगा। फिर है बैनल। बैनल मतलब तुच्छ मामूली होता है, तो कोनो काम अगर खराब बनल तो बैनल हो गया, तुच्छ मामूली। फ्रेश ताजा होता है, ओरिजिनल वास्तविक होता है, न्यू नया होता है, हैकनेट तुच्छ मामूली होता है, तो यही इसका आंसर होगा। फिर है बैफल। बैफल मतलब किसी को कंफ्यूज करना, तो बफैलो ने कंफ्यूज कर दिया आपको, बैफल कर दिया। एक्सप्लेन व्याख्या करना, इनलाइटन प्रकाशित करना, क्लियर, इनलाइटन प्रकाशित करना मतलब वही व्याख्या करना, क्लियर स्पष्ट करना, कंफ्यूज किसी को भ्रमित करना, तो यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका वर्ड बस्टल। बस्टल मतलब हंगामा होता है, बस्टल गई तो लोगों ने बस्टल मचा दिया, हंगामा कर दिया, तो बस्टल मतलब हंगामा। तो कमोशन मतलब भी होता है हंगामा, यही आंसर होगा। पीस शांति, स्टिलनेस शांति, साइलेंस शांति। बोगस मतलब नकली होता है, बोगस न्यूज आपने सुना होगा, नकली न्यूज, तो बोगस मतलब नकली। ऑथेंटिक मतलब वास्तविक, रियल मतलब वास्तविक, जेन्युइन मतलब वास्तविक, फेक मतलब नकली, तो फेक ही इसका आंसर होगा। अगला है बीसीच। बीसीच मतलब अपील करना, विनती करना कि भाई हमारा खेतवा सींच दीजिए, ऐसा आपने पड़ोसी से बीसीच किया, विनती किया, तो बीसीच का मतलब विनती करना, अनुरोध करना। अपील मतलब भी अनुरोध करना, क्रिकेट में अपील की जाती है, यही आंसर होगा। ऑर्डर मतलब आदेश देना, कमांड मतलब भी आदेश देना, ऑर्डेन मतलब भी आदेश देना। नेक्स्ट है बीरेट। बीरेट मतलब डांटना, बारात जाने के लिए घर वालों ने आपको बीरेट कर दिया, डांट दिया, तो डांटना। रिप्रीमाइंड मतलब भी डांटना, यही इसका आंसर होगा। स्टॉल प्रशंसा करना,
लॉर्ड प्रशंसा करना, प्रेज प्रशंसा करना। लॉर्ड बाबी की लोगों ने इस मूवी में लॉर्ड किया, एनिमल में प्रशंसा, तो लॉर्ड मतलब प्रशंसा करना। वेवर का मतलब जागरूक या सतर्क होता है, लिखा रहता है वेवर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान रहे, तो वेवर मतलब सतर्क या सावधान। इग्नोर अनदेखा करना, बी केयरफुल सतर्क रहना, तो यही इसका आंसर होगा। निगलेक्ट अनदेखा करना और डिसरिगार्ड ध्यान ना देना, ठीक है। अब 39 है आपका ब्रूटल। सारे लोग कमेंट करिए, कमेंट कर रहे हैं कि नहीं भाई आप लोग, सारे बच्चे कमेंट तो सब किया करिए। देखिए ब्रूटल, ब्रूटल का मतलब क्या होता है, ब्रूटल का मतलब निर्दयी या क्रूर होता है, जो लोगों को लूटल वो है ब्रूटल, निर्दयी। काइंड दयालु होता है, ह्यूमेन दयालु होता है, मर्सीफुल दयालु होता है, रूथलेस होता है निर्दयी या क्रूर, यही आंसर होगा। अगला है 40, बैगी। बैगी मतलब ढीला ढाला, लूज होता है, तो बैग आपका बड़ा बैगी है, ढीला ढाला है। लूज मतलब भी होता है ढीला ढाला। हार्ड मतलब कड़ा या कठोर, टाइट मतलब भी कड़ा, इनफ्लेक्सिबल जो लचीला ना हो यानी कड़ा। बियरेबल बर्दाश्त करने योग्य या सहनी, बियर मतलब सहना, उसी का एडजेक्टिव है बियरेबल, यानी सहनी, जिसे सहा जा सके। अनबियरेबल जिसे ना सहा जा सके। इनटॉलरेबल जिसे ना सहा जा सके। अनइंड्यूरेबल जिसे ना सहा जा सके, और टॉलरेबल जिसे सहा जा सके, तो यही इसका आंसर हो। बियर पीने वाले पति को पत्नी बियरेबल करते हैं, सहती हैं, सहा जा सके, ऐसे कुछ। बकैनेलियन मतलब होता है शराबी, जो उल्टा सीधा बके वो है बकैनेलियन, शराबी। टीटोटलर होता है शराब ना पीने वाला। अस्टिनर होता है जो शराब वराब से परहेज करता है, संयमी। नॉन ड्रिंकर जो ड्रिंक नहीं करता, और एल्कोहलिक जो एल्कोहल पीता है, यानी शराबी, तो यही इसका आंसर होगा। फिर है आप लोगों का 43 वर्ड बुली। बुली मतलब होता है डराना, तो बुल छोटे बैलों को या छोटे बछड़ों को बुली करता है, डराता है, तो बुली मतलब डराना। तो रीअश्योर भरोसा दिलाना, इनकरेज प्रोत्साहित करना, कंसोल सांत्वना देना, और इंटीमिडिएट डराना धमकाना, तो यही इसका आंसर होगा। बुल हेडेड मतलब जिद्दी, बुल का हेड, बैल का हेड एकदम जिद्दी तो होता है, बैठ जाता चलता नहीं, तो बुल हेडेड जिद्दी धाटी। ओबीडियंट आज्ञाकारी, कंप्लायंट आज्ञाकारी, सबमिसिव विनम्र या दबू दब के रहने वाला, स्टुबर्न जिद्दी, तो यही लगेगा। बिल्क मतलब धोखा देना, तो सब लोगों ने मिल के बिल्क दिया, धोखा दिया, या मिल्क वाले भैया ने बिल्क दिया, धोखा दिया, टेक इन धोखा देना, यही आंसर होगा। हेल्प मदद करना, इनकरेज प्रोत्साहित करना, और असिस्ट सहायता करना। अब आपके पास 3 वर्ड और हैं। 46 है बाइंडिंग, इसका आंसर करिए। 47 बॉइंट, इसका आंसर करिए। 48 बेसमेंट, इसका आंसर करिए। चलिए तीनों का आंसर करिए, मैं कमेंट देख रहा हूँ आपके। 46, 47 एंड 48 प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट मेंशन करिए इमीडिएट। चलिए शिवम जी, अबीटो जी, नेहा जी, मौर्या जी, आकाश जी, हिमतेश जी, शिवाय जी, प्रजापति साहब, नायरा जी, रचना जी, श्रद्धा जी, आकाश जी, सारे बच्चे आंसर करें, सारे बच्चे आंसर करें बच्चा। नंदन साहब, सारे बच्चे आंसर करें, ओके। चलिए शिल्पा जी का भी आंसर आ चुका, आइए देखते हैं कितने लोगों का सही है। देखिए बाइंडिंग का मतलब होता है अनिवार्य या जरूरी, किताब की बाइंडिंग कराना आपके लिए बाइंडिंग हो जाती है, अनिवार्य या जरूरी। तो वॉलेंट्री स्वैच्छिक, ऑप्शनल भी स्वैच्छिक, विलिंग मतलब इच्छुक या स्वैच्छिक, मैंडेटरी अनिवार्य या जरूरी, तो यही इसका आंसर होगा। बॉयंट मतलब होता है एक तरीके से प्रसंचित या खुश, तो बॉय जो है आंट का वो बड़ा बॉयंट है, प्रसंचित रहता है। ग्लोमी उदास, सुलेन उदास, मोरोज उदास, और चीयरफुल का मतलब होता है प्रसंचित या खुश। अगला है बेस मिर्च। बेस मिर्च मतलब होता है दूषित करना या गंदा करना, बस मिर्च पा जाते हैं तो पूरी सब्जी को बेस मिर्च कर देते हैं, दूषित कर देते हैं। प्यूरीफाई शुद्ध करना, क्लीन साफ करना, पर्ज साफ करना, स्टेन गंदा करना, तो यही इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने बी लेटर को भी देख लिया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सीरीज आपके लिए काफी कारगर हो सकती है, फ्रॉम ए टू जेड वाली। ए से जेड तक तो पूरा पढ़ा ही दिए हैं, याद कैसे वो करना है वर्ड को सब डिटेल में पढ़ा ही दिए, प्रैक्टिस बाकी थी तो वो भी करा दे रहे हैं। तो कल हम लोगों ने ए लेटर किया था, आज हम लोगों ने बी लेटर कर लिया, कल हम सी लेटर करा देंगे, ओके। तो आज वाणी को देते हैं विराम,
और कल मिलते हैं इसी टाइम 8 PM पे, ओके। और जो बच्चे प्रयागराज में हैं, ऑफलाइन बैचेस करना चाहते हैं, तो एक नया बैच अभी हाल ही में स्टार्ट हुआ है इवनिंग में 5:30 PM से पे, तो जो बच्चे ऑफलाइन में हों वो ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, 2 दिन का डेमो क्लास फ्री है, ओके। बाकी कोई इंक्वायरी या इंफॉर्मेशन लेना है तो ये नंबर है, इस पे आप व्हाट्सअप करके इन्फॉर्मेशन ले लो या कॉल करके ले लो, चाहे ऑनलाइन बैचेस से रिगार्डिंग चाहे ऑफलाइन, ओके। तो आज के लिए फिर इतना ही करते हैं, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।